أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورۃ الفجر ہے، یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں کل 30 آیات ہیں اور بہت مختصر مختصر آیات ہیں، چنانچہ والفجر ایک آیت ہے، وليال عشر دوسری آیت ہے، تو اس طرح سے مختصر مختصر آیات بینات اور اس سورہ مبارکہ میں انسان کی ایک بیماری کو بیان کیا گیا اور پھر اس کا علاج بتلایا گیا اور گزشتہ تاریخ کا ایک حوالہ دیا گیا اور ایک انسان کو دعوت فکر دی گئی.
तो एक बीमारी और उसका इलाज और गुज़िश्ता कौमों की तारीख और इंसान को दावत फ़िक्र और कुछ उमूर आखरत। तो ये मज़ामीन है इस सूरह मुबारक के। वल फज्र, कसम है फज्र की, कसम है फज्र की, फज्र के वक्त की कसम, जब सुबह रोशन होती है उस रोशनी के वक्त की कसम। उस वक्त की कसम इसलिए खाई कि वो कबूलियत का वक्त होता है और उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। और दिन का आगाज़ होता है तो दिन का आगाज़ इंसान को दुरुस्त करना चाहिए, अल्लाह के नाम से करना चाहिए। आम तौर पर बदनसीबी ये है कि दिन का आगाज़ तर्क नमाज से होता है, दिन का आगाज़ फजर के तर्क से होता है, और अल्लाह के एक बहुत बड़े फरीज़े को छोड़ने से दिन का आगाज़ होता है। फिर जब दिन का आगाज़ ऐसा हुआ तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि दिन का इख्तिताम कैसे होगा। तो इसलिए उस वक्त की कसम खाई, वल फज्र, फजर के वक्त की कसम। ये वक्त अल्लाह की नाफरमानी का नहीं है, ये वक्त कबूलियत का है। इसलिए अपने घर का एहतसाब और अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें कि हमारे घर में ऐसा तो नहीं होता कि आगाज़ दिन, दिन का आगाज़ अल्लाह की नाफरमानी से तो नहीं होता। आज हम जितने इस मजलिस में मौजूद हैं, क्या आज हमारे दिन का आगाज़ कहीं नाफरमानी से तो नहीं हुआ? और नमाज के बाद फिर ज़िक्र अज़कार और तिलावत और तमाम आमाल, बहुत ज़्यादा आमाल का वक्त न मिले। आपको अपनी ड्यूटी पे जाना है, माओं को अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है, स्कूलों में, तालीमी इदारों में बच्चों ने जाना है, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़िक्र होना चाहिए नमाज के बाद, कुछ तो हो। सूरह यासीन तो कम अज़ कम हो जाए, इसलिए कि सूरह यासीन 24 घंटे में एक मरतबा उस पर मरूर होना, उसका पढ़ना वो ज़रूरी है। इस जुमे में हमने बड़ी तफसील से बात जिक्र की है और मेरा जी चाहता है कि मैं आज फिर उस बात को ज़िक्र कर दूँ। सूरह यासीन के दो नाम अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखे हैं रूहुल मानी के अंदर, दो नाम इसके अहादीस की रोशनी में, दो नाम और बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन दो नाम बड़ी अहमियत के साथ लिखे हैं उन्होंने, एक मुदाफ़िया और दूसरा काज़िया। मुदाफ़िया दिफा करने वाली, काज़िया हाजात को पूरा करने वाली। तो मतलब ये हुआ कि इस सूरह मुबारक के अंदर ये दोनों अल्लाह जल्ले जलालहू ने असर रखे हैं कि इसके पढ़ने वाले की मुसीबतें परेशानियां भी दूर होंगी और इसके पढ़ने वाले की हाजात भी अल्लाह पूरी करेगा। इसलिए कि दो नाम है इसके, क्या क्या? मुदाफ़िया दिफा करने वाली, काज़िया हाजात को पूरा करने वाली। लेकिन ये बात मैं पहले कितनी मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी कोई अमल किया जाए तो नियत की जाए। इस वक्त मैं सूरह यासीन पढ़ने लगा हूँ, मेरी नियत क्या है? मेरी नियत क्या है? मैं कोई मसाइब हैं उनको दूर करने की नियत से पढ़ रहा हूँ, या मेरी कोई हाजात हैं उन हाजात के हुसूल के लिए पढ़ रहा हूँ? नियत कर ले, उस नियत से अमल में जान पैदा होती है। अव्वल नियत तो हर वक्त अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा हो, ये अव्वल तो सबसे मुकद्दम है, फिर उसके बाद, इसलिए कि ये अमल बतलाया गया है तो इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ। अलबत्ता मशाइख ने इसका तरीक़ा लिखा है और ये चीज़ें जो मैं अभी बताने लगा हूँ इनका ताल्लुक तजर्बात से है कि अगर मसाइब हैं तो फिर रात को पढ़ो और अगर हाजात हैं तो सुबह पढ़ो। अपनी हाजात को और अपने मसाइब को एक कागज़ पर लिखो
पर्चे पर लिख लो। मिसाल के तौर पर हाजात आपने लिखी हैं, इस वक्त कोई ऐसी आपको ज़रूरत है, रिश्ते का मसला है, ये एक हाजत है। एक कारोबार करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी कोई हाजत है। आप सफ़र करना चाह रहे हैं, ये आपकी हाजत है। इसी तरह से किसी जगह पर आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं और वो जायज़ है, ये आपकी हाजत है। वो हाजात आप अपने एक कागज़ पर लिखें। इसी तरह से मसाइब क्या हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कर्ज़े में आप डूबे हुए हैं, कारोबारी मुश्किलात में आप झगड़े हुए हैं, और न जाने क्या क्या मसाइब हैं। हर आदमी अपने हालात को जानता है, तो एक कागज़ पर मसाइब लिखें और एक कागज़ पर अपनी हाजात लिखें। और हाजात के लिए सुबह पढ़ें। किस तरह से? आप पहले जो है सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, चार कुल, दुरूद इब्राहिमी। सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, चार कुल, दुरूद इब्राहिमी, ये चार चीज़ें तीन तीन मरतबा पढ़नी है। ये सब तीन 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 बार सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, फिर तीन बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर तीन बार चार कुल पढ़ेंगे। सूरह काफिरून चार बार पढ़ तीन बार पढ़ ली, फिर इखलास तीन बार, फिर फलक तीन बार, फिर नास तीन बार, और फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी तीन बार। तो ये चार आमाल तीन तीन बार पढ़ने, फिर आप सूरह यासीन को शुरू करें, और वो पर्चा हाजात का आपके सामने है। इसमें लफ्ज़ मुबीन जहाँ पर आता है, तो लफ्ज़ मुबीन सात मरतबा सूरह यासीन में है, तो लफ्ज़ मुबीन पर आप रुक जाएं और अपना पर्चा खोल कर पढ़ें। अल्लाह मेरी ये हाजात हैं, अल्लाह ये हाजात हैं, अल्लाह ये हाजात हैं, अल्लाह इनको पूरा कर, इनको पूरा कर। वो चार छः हाजात लिखी हुई थी, पूरी हो गई। फिर उसके बाद आगे पढ़े, वद्रिब लहुम मथलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून। फिर आगे आया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फिर मुबीन आ गया, फिर वो पर्चा खोल के पढ़ा, फिर आगे जनाब पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहा इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैय़ून वला युन्क़िदून इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम वस्मऊन क़ीला उदख़ुलिल जन्नत वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। यहाँ फिर आगे आता है मुबीन, क़ीला उदख़ुलिल जन्नत क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अब फिर मुबीन आया, उस पर फिर वो पर्चा पढ़े। इस तरह से हर मुबीन पर अपनी हाजत के पर्चे को पढ़ते जाएं, साथ हो जाएं, और आखिर में सूरह यासीन मुकम्मल करके फिर दुआ कर लें। ठीक है, ये फजर के बाद का अमल है। ज़रूरी नहीं है फजर के मुत्तसिल बाद आप नहीं कर पाई, और आप नहीं कर पाए अपनी मशगूलियत की वजह से, तो जनाब घर वालों को रुख्सत करके, बच्चों को स्कूलों में रुख्सत करके फिर आप बैठ जाएं, इशराक के वक्त बैठ जाएं, चाश्त के वक्त बैठ जाएं, इस तरह से। और दूसरा, अगर परेशानियां हैं, मसाइब है, तो फिर रात को पढ़ें इशा की नमाज के बाद। उसी तरह से वही चार चीज़ें पहले तीन तीन बार पढ़नी हैं, और फिर सूरह यासीन पढ़ें। हर मुबीन पर अपनी हाजात को, जो मसाइब हैं, उनको सामने रखें, और फिर सूरत मुकम्मल करें, और फिर आखिर में दुआ करें। बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही तीर बहदफ अमल है। आप ये करके तो देखें, क्यों हम दाएं बाएं भटकते हैं, क्या अपने अल्लाह से हमारे ताल्लुक़ हो जाए इन आमाल की बदौलत, तो आप देखें। और इस तरह से सूरह यासीन रोज़ाना दो मरतबा आप पढ़ लेंगे, और मज़ीद ये कि एक बार पढ़ने से 10 कुरान का सवाब हासिल होता है ना। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि फजर की कसम खाई, फजर वल फजर, तो इसलिए कि ये कबूलियत का वक्त है। मतलब है कि अपने बीमारियों का इलाज करना है तो इस वक्त अल्लाह के पास आ जाओ। बीमारियों से मुराद रूहानी अमराज भी हैं, जिस्मानी अमराज भी हैं। वलयालिन अश्र, और इसी तरह से 10 रातों की कसम, 10 रातों की कसम। इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा का पहला अशरा मुराद है, ज़िलहज्जा का पहला अशरा, उसकी रातें।
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ اور جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم، ہر شے کے اندر جو جوڑا جوڑا ہے اور جو چیزیں اکیلی اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی قسم، وَالشَّفْعِ ہر جوڑے جوڑے کی قسم، والوتر اور اکیلے اکیلے کی قسم، اللہ تبارک تعالی خود ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تبارک تعالی خود اکیلا ہے اور وتر کو طاق عدد کو اللہ پسند کرتا ہے. کوئی چیز لیا کرے نا طاق عدد لیا کرے، کھجور کھانی ہے نا تین عدد لے لیا کرے، پانچ عدد لے لیا کرے، سات عدد لے لیا کرے، طاق کا اہتمام کریں. یہی وجہ ہے کہ تسبیحات میں، یعنی سجدے کی تسبیحات، رکوع کی تسبیحات، اس میں بھی کیا ہے طاق عدد مطلوب ہے نا، تین ہے، پانچ ہے، سات ہے، نو ہے، گیارہ ہے، طاق عدد مطلوب ہے. یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی بڑے مشائخ علماء میں گزرے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑا نام، پھر بر صغیر سے کیا پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کے نام کو عام فرمایا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد گزرے ہیں. ایک مرتبہ اپنے کسی سے کہا کہ جاؤ لونگ لے کے آؤ، کچھ داڑھ میں تکلیف تھی، وہ لونگ لے کے آیا تو اس نے لونگ کے کچھ چار دانے لے کے آیا تو حضرت نے اتنا ڈانٹا کہ سنت نہیں پتا تمہیں، طاق میں کیوں نہیں لائے ہو؟ اس قدر اتباع سنت کا معمول تھا، اس قدر اتباع سنت کا معمول تھا طاق عدد کا. تو ہم بھی اپنی زندگی کے میں یہ معمول بنا لینا. آپ نے کچھ چیزیں کھانی ہیں، کچھ لینی ہیں، کچھ اٹھانا ہے، آج میٹھا سامنے آیا تو زیادہ نہیں کھانا، وہ تین چمچ ہی لے لو. پانی میں آپ کو پتہ ہے نا پینے میں طاق عدد ہے، تین سانسوں میں پانی پیو. پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، تین میں نہیں پورا کر سکتے ہو تو پانچ کر لو، طاق عدد مطلوب ہے اس میں بھی. تو اس کا خیال رکھا کریں، طاق عدد کا خیال رکھا کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی خیریں ہیں، اس میں بڑے فوائد ہیں، طاق عدد کا خیال رکھا کریں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اور اسی طرح سے ہر جفت اور طاق کی قسم، واللیل رات کی قسم، اذا یسر جب وہ رات ڈھل جائے اس وقت. تو پانچ قسمیں کھائیں، فجر، لیال عشر ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ، اور نمبر تین شفع، اور نمبر چار وتر، اور نمبر پانچ واللیل. پانچ قسمیں کھا کر آگے دیکھیں جواب قسم جو آ رہا ہے وہ آگے ہے کافی. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے اس میں یہ قسم کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ بلا قسم بھی جب بات کہے تو وہ سچی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو عقل مندوں کے لیے کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ ذی حجر، عقل مند لوگ، حجر کہتے ہیں عقل کو، ہا جیم را، حجر حجر ممنوع کو کہتے ہیں، روکنے کو. اور عقل کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو روکتی ہے، وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتی ہے، اس لیے حجر، اس کو حجر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح اور غلط میں کیا کرتی ہے؟ فیصلہ کر، منع کرتی ہے، یہ غلط کام ہے، عقل آپ کو روکتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو. یہ ہے الم تر، اب تاریخ کا ایک نمونہ ذکر فرمایا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، اس دیکھنے سے مراد صرف رؤیت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد مشاہدات ہیں، اس سے مراد گرد و نواح کا علم ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا فلسطین میں کیا ہوا، مطلب آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا اتنا ہے جیسا کہ دیکھا ہے. اس طرح سے الم ترى كيف فعل ربك بعاد، آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور چونکہ یہ تو قومیں گزشتہ گزر چکی تھیں، آپ علیہ السلام کی بعثت سے، پیدائش سے پہلے کی قومیں ہیں. ارم ذات العماد، وہ عاد جو کہ ارم تھے، ذات العماد اور لمبے لمبے قد والے تھے. یہ قوم عاد کے اندر جو ہے وہ دو شاخیں تھیں، پھر ان کو ایک کو عاد اولا کہتے تھے، ایک کو عاد ثانیہ کہتے تھے.
تو گویا کہ عاد اولی قوم عاد ہے اور عاد ثانیہ وہ آگے قوم ثمود ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. تو گویا کہ ایک باپ سے یہ آگے دو شاخیں ہو جاتی تھیں, عاد اولی اور عاد ثانیہ, اور ان میں سے کسی کے باپ کا نام ارم بھی تھا تو اسی کی طرف یہ نسبت ان کی ہے ارم بھی. تو آج کل ہم ارم نام رکھ لیتے ہیں عورتوں کا, قرآن سے نکالا ہے ہم نے نام. تو کوئی یہ قوم عاد کا کی ایک قوم کا نام ہے ارم, تو آپ سمجھ لیں کہ کس کا نام آپ اٹھا کے رکھ رہے ہو. کیا قوم عاد کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں تھے؟ کیا قوم عاد کے زمانے میں کوئی نیک لوگ نہیں تھے؟ کیا کوئی اور نیک ہستیوں کے نام ہمارے پاس نہیں آئے؟ تو اس لیے بھائی نیک نام رکھا کرو. ہماری آنے والی جو نشست ہے منگل کی, اس منگل والی نشست میں گھر میں جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس میں عنوان ہی یہی ہے کہ نام کیسے رکھے جائیں اور ناموں کی تاثیر کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر بڑی مفصل ہم گفتگو کریں گے. تو خواتین سے بھی درخواست ہے, مرد حضرات بھی آنا چاہیں, بہت مفصل اس پر گفتگو ہوگی, اور وہ تربیت اولاد کا مضمون چل رہا ہے اور بہت ہی اہم اور بہت ہی عجیب عنوانات ہیں اس میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ باتیں ذہن میں ڈالی ہیں اور بہت سارے مطالعے سے وہ حاصل ہوئی ہیں. تو میں درخواست کروں گا کہ وہ سننے کا ہے, اگر کسی کو فرصت نہ ہو آنے کی, وہ وقت چونکہ عصر کے بعد کا ہے تو وہ بہرحال ریکارڈ میں موجود ہے, ریکارڈ سے لے کے ضرور ضرور سنیں اور نئی نسلوں کی تربیت کرے, اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, موبائل میں بھرا ہوا ہے, اس لیے اب یہ سلو بھی ہو گیا, راتوں کو بند ہو گیا تھا پھر بند ہو گیا تھا. التی لم یخلق مثلها, تو یہ ارم ذات العماد, میں نے عرض کیا کہ ستونوں والے بلند و بالا قد ان کے ستونوں کی طرح تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسے کہ ان کی جیسا نہیں پیدا کیا گیا, لم یخلق مثلها, ان کی مثل نہیں پیدا کی گئی شہروں میں, قوت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے ایسی کوئی قوم اللہ نے نہیں پیدا کی جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود تھی. وثمود الذین جابوا الصخر, اور دوسرے, اچھا لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے, قوم عاد کی جو سرکشی اور نافرمانی تھی وہ طاقت پر گھمنڈ اور غرور تھا. وثمود الذین جابوا الصخر, اور اسی طرح سے ثمود, وہ قوم ثمود جو تھی, الذین جابوا الصخر, جنہوں نے چٹانوں کو تراشا چھیلا, جابوا چھیلا الصخر, بڑی بڑی چٹانوں کو, بالواد, وادیوں کے اندر سے انہوں نے چٹانوں کو چھیل چھیل کر اپنے گھروں کو بنایا. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر صنعت اور حرفت میں یہ قوم آگے تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں کو, پہاڑوں کو تراش تراش کر, پتھروں کو تراش کر کے, یعنی علیحدہ سے دیوار, علیحدہ سے چھت, علیحدہ سے فرش نہیں بنتا تھا, ایک بہت بڑی چٹان لے لو, ایک بہت بڑا پہاڑ تلاش کرتے تھے اور اس پہاڑ کے اندر جو پتھریلا پہاڑ ہوتا تھا اس کے اندر کھرید کھرید کے اپنا مکان بناتے تھے. یہ تھا ان کا مکان بنانے کا طریقہ, اور وہ بھی انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ سنا کرتے تھے کہ سنا ہے پیچھے قوموں پر عذاب آیا ہے, اور جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا ہے, تو ہم ذرا بلندیوں پر, پہاڑوں پر اپنے گھر بنا لیں تاکہ وہاں عذاب نہ آ سکے. قریب میں قوم عاد گزری سی تھی, ان پر عذاب آیا ہے, ہواؤں کا عذاب آیا ہے, تو ہم گھر اس طرح سے بنائیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہوائیں بھی تاکہ نہ داخل ہو سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نہ تو پانی کا عذاب بھیجنے کا پابند ہے, نہ ہوا کا عذاب بھیجنے کا پابند ہے. اللہ پاک نے اس طرح سے قوم ثمود کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک چیخ اور ایک آواز لگائی, اور ایسی زوردار آواز تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, یہ اوندھے منہ اپنے گھروں کے اندر پڑے ہی پڑے رہ گئے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون کو بھی سن لو, ذِي الْأَوْتَادِ, جو کیلوں والا تھا, میخوں والا. اب اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کیلوں والا, وہ کیلیں ٹھونک کے جناب سزا دیا کرتا تھا. کسی مجرم کو سزا دینی ہوتی تو لٹا دیتا اور دو ہاتھ میں اور دو پیروں میں بڑے بڑے کھنڈے ٹھونک دیتا تھا, اس لیے اس کو ذِي الْأَوْتَادِ کہتے ہیں. اور یا یہ بھی معنی ہے کہ ذِي الْأَوْتَادِ, خیمے جگہ جگہ گھاڑتا تھا. معنی یہ کہ وہ شکار کو نکلتا, سفر کو نکلا, اور یہ اس کا خاص
خاص مشغلہ تھا کہ وہاں خیمے گاڑ کر اپنی آبادی رکھتا تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں، الذین طغوا فی البلاد، تو یہ سب کے سب، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، اور فرعون اور اس کے حواریین بھی، سب کے سب طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی مچائی ہے، شہروں کے اندر سرکشی مچائی ہے۔ فاکثروا فیہا الفساد، سرکشی کیا مچائی کہ اس میں فساد کی انتہا انہوں نے کر دی، کثرت کر دیا اس میں انہوں نے فساد کو، شرک اور کفر کا فساد۔ تو پھر کیا ہوا نتیجہ اس فساد کا؟ کیا ہوا؟ فصب علیہم، صب یصب بہانہ، بہا دیا علیہم ان کے اوپر رب کا، تیرے رب نے، سوطا کوڑا، عذاب، عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی دردناک قسم کے عذاب اللہ پاک نے ان کو دیے۔ اور اب آگے بات آ رہی ہے، ان ربک لبالمرصاد، اس کا تعلق وہ قسموں کے ساتھ ہے جو پانچ قسمیں کھائی تھی نا، فجر کی قسم، اور ذلحجہ کی 10 راتوں کی قسم، اور شفع اور وتر کی قسم، اور لیل کی قسم۔ اے اللہ، قسم کھا کے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری نگرانی کر رہا ہے، لبالمرصاد، تیرا رب تیری نگرانی کر رہا ہے، تیرا رب تاک میں ہے، تاک میں ہے۔ مرصاد، را صاد دال، رصد، رصد کہتے ہیں کمین گاہ، جہاں کوئی آدمی بیٹھ کر اپنے شکار کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ٹک ٹکی باندھ کر وہ شکار کو دیکھتا ہے۔ شکار کو نہیں پتا ہوتا مجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے تیر، اپنے بندوق کو بالکل اس کی طرف تانے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ موقع آتا ہے تو یہ اس پر تیر چلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیرا رب ہر انسان کی نگرانی ایسے کر رہا ہے جیسے شکاری اپنے شکار کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شکار اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہوتا، اور وہ اوجل ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس طرح سے تیرا پروردگار ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اچانک اس کی ڈوری کھینچ دیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آیا انسان کی بیماری کا مسئلہ۔ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ ہے ناشکری۔ فاما الانسان اذا مبتلاہ، انسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کو مبتلا کرتا ہے، جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، تو یہ اکرام کی صورت، یعنی یہ رب کی طرف سے آزمائش کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فاکرمہ، رب اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو دنیا میں مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور کئی قسم کی اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ تو فیقول، یہ بندہ یہ کہتا ہے، ربی اکرمن، یہ فخر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں میں اس کا مستحق تھا، میں تو کافی عرصے سے نیک عبادتیں کرتا تھا، اور میں ایسا تھا ویسا تھا، تو میں ان نعمتوں کا مستحق تھا، تو میرے رب نے تو بڑی عزت کی ہے، تو لہذا عزت کا معترف ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، تو یہ دوسری مرتبہ جب ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا کیسی ہو، فقدر علیہ رزقہ، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو یہ بھی ابتلا ہے۔ جیسے وسعت رزق ابتلا ہے، اسی طرح سے ضیق رزق، رزق کا تنگ کر دینا، قدر رزق، یہ بھی کیا ہے، ابتلا اور امتحان ہے۔ فیقول ربی اہانن، اب شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے میرے رب نے تو بڑا ذلیل کر دیا، آج تو بڑا ذلیل ہو گیا۔ یہ لفظ بلے نہیں کہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا، بس پوچھے بھائی کیا حال ہے، ارے بھائی کیا حال، کیا پوچھتے ہو، بڑا ذلیل و خوار ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ظالم یہ تو کیا کہہ رہا ہے، بڑا ذلیل و خوار ہو گیا ہوں، بس جینے کے قابل نہیں رہا، اور جناب ادھر قرضے ادھر قرضے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ مصیبتیں اور وہ مصیبتیں، گھر میں آتا ہوں تو گھر میں سننی پڑتی ہیں، وہاں جاتا ہوں تو وہاں سن، ذلیل و خوار ہو گیا ہوں۔ یہ امتحان تھا میرے پیارے، یہ امتحان تھا، اس رب نے پہلے دے کر تجھے آزمایا، اب لے کر تجھے آزمایا۔ جب دے کر آزمایا تو اس امتحان میں بھی تو ناکام ہو گیا، اور جب لے کر آزمایا تو اس میں بھی تو ناکام ہو گیا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا اللہ نے غربت میں ہمیں ڈالا، غربت میں لے لیا، اللہ نے مال دیا ہی نہیں ہے، غربت میں ہم نے وقت گزارا، اس امتحان میں تو ہم کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے، غربت میں ہم اللہ سے جڑے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے، اور اب مال ہمارے پاس آ گئے ہیں تو رو رہے تھے نہ معلوم کہ اب امتحان آیا ہے مال کا، پہلے امتحان تھا فقر کا، وہ تو ہم پاس کر گئے، اب امتحان آیا مال کا، نہ معلوم ہم پاس کر سکیں گے یا نہ پاس کر سکیں گے، ڈرتے تھے۔ آج میں اور آپ تو مال کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، وہ مال کے آنے سے ڈرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب علاقے فتح ہوئے، دور دراز کے علاقے، اور جناب روم و فارس کی سلطنتیں، ان سلطنتوں نے اپنی خزانے اڑھیل دیے، اور وہ سارے کے سارے خزانے مدینہ منورہ کی طرف آ گئے، تو ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، اتنے بڑے ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ اگر ڈھیر کے اس طرف سے کوئی اونٹ پر سوار آدمی گزرتا، اونٹ خود کتنا قداور ہوتا ہے، اور اس پر لمبے قد والا آدمی بیٹھا تو اس طرف سے نظر نہیں آتا تھا کہ سامنے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، اتنے بڑے ڈھیر تو آج کل روڈوں پر تمہاری ریتی بجری کے نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ جہاں دوسری طرف بڑا ڈمپر اور ٹرک بھی نظر نہ آئے، اس طرح کے ڈھیر لگے ہوئے تھے سونے کے اور ہیرے اور جواہرات کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنارے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، لوگوں نے کہا حضرت یہ رونے کا وقت ہے کیا، یہ تو خوشی کا وقت ہے، اتنا مال آ گیا۔ کہا میرے پیارو، اگر اس مال میں خیر ہوتی، مجھ سے پہلے دو بزرگ مجھ سے بہتر گزرے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک ان کو مال دیتا اگر اس مال میں کوئی خیر ہوتی، وہ تو تنگ دستی میں گزر گئے، فقر میں گزر گئے، آج ہمارے پاس مال آیا، یہ امتحان ہے بھائی اللہ کا، نہ معلوم اس امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں کہ نہ کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے میرے عزیز، جس کے پاس مال ہے یہ اس کا امتحان ہے، جس کے پاس فقر ہے یہ اس کا امتحان ہے۔ کلا، خبردار، سمجھ لینا چاہیے تمہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ مال ملے تو یہ رب نے اکرام کیا، اور مال نہ ملا تو رب نے کیا کیا، توہین کر دی، گویا کہ مال ملنا کامیابی سمجھتے ہو، مال کا نہ ملنا ناکامی سمجھتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار جو تم نے مقرر کر دیا غلط ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے، آؤ تمہیں تمہاری بیماری بتاتے ہیں، بلا تکرمون الیتیم، بیماری یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، معاشرے میں یتیموں کی خیالداری نہیں کرتے ہو، مال اپنے لیے آج تم لغویات اور فضولیات بھی خرید کر لاتے ہو، لیکن ایک یتیم بچے کو ضرورت کا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، اس کی فکر تمہیں نہیں ہے، اس کی فکر تمہیں نہیں ہے۔ اپنے گھر میں تم نے کتے اور بلیاں پال رکھی ہیں، اور کتوں اور بلیوں کی خوراکوں کا انتظام تم کرتے ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہوتا ہے، لیکن کسی غریب کے گھر میں جناب کو یتیم پل رہا ہے، اس کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اس کا احساس و خیال تمہیں نہیں ہے۔ گوشت نکال نکال کے صدقہ کر، کہاں کہاں صدقہ، چیلوں کو پھینک رہے جی، شاباش، یہ کون سا صدقہ ہے بھائی، یہ کون سی قسم ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ایک دن، گوشت لے کے جا رہے، لال لال گوشت، ان کا خیر تو ہے ماشاءاللہ، آج لگ رہا ہے آج اماں جان نے کوئی بڑا عزم کیا ہے، کوئی دعوت شاوت ہے گھر میں، کہا نہیں بول سب چیلوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، صاف ستھرا لال گوشت، اتنے اتنے ٹکڑے ٹکڑے بنے ہوئے۔ اور میں نے کہا اللہ کے واسطے یار، یہ تو جہاں سے جا رہا ہے وہ سامنے چوکیدار بیٹھا ہے نا، اس کو دے دو۔ کہتا اس کو دوں گا، اماں کو کیا جواب دوں گا، اس چوکیدار کو دے دو، لے جا کے اس کے بچے کھائیں گے تو ثواب ملے گا بھائی، اور کسی حاجت مند کو دے دو تو ثواب ملے گا بھائی۔ یہ کوئی نئے قسم کے صدقے ہم نے نکال دیے اپنی طرف سے،
कोई शक नहीं इसमें। अर्राहिमून यरहमहुमुर रहमान, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, रहम करने वालों पर आसमान वाला रहम करता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, इसमें इंसान हैवानात सब आ गए। लेकिन दो चीज़ें भूखी मर रही हैं, एक इंसान भूखा मर रहा है और एक चील भूखी मर रही है, तो मुझे किसको खिलाना चाहिए भाई? खुद सोचना चाहिए ना, मुझे किसको खिलाना चाहिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहा कल्ला बल्ला तुकरिमून अल्यतीम, मामला ये नहीं है, कामयाबी नाकामी का मेयार ये नहीं है जिसको आपने मुतय्यन कर दिया कि माल मिल जाए तो कामयाबी, माल ना मिले तो नाकामी। अरे नहीं भाई, नाकामी ये है क्या, ला तुकरिमून अल्यतीम, यतीम का इकराम न करना ये नाकामी है। वला तहाद्दून अला तुआमिल मिस्कीन, और ये दूसरी तुम्हारी बीमारी है, तुम बरअंगेख्ता नहीं करते हो, नहीं उभारते हो यतीम को, मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उभारते हो। पता चला कि मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देना भी एक अमल है। मिस्कीन को खाना खिलाना तो है ही अमल, आपके पास खिलाने के पैसे नहीं है तो कम से कम तरगीब तो दे सकते हो, तरगीब तो दे सकते हो ना। अरे जी लोग क्या कहेंगे, शायद अपने लिए मांग रहा है। ओ भाई, शायद अपने लिए मांग रहा है, आप नमाज पढ़ने लगते लगे हैं, लोग कहेंगे शायद ये रियाकारी के लिए पढ़ रहा है, चलो नमाज छोड़ देते हैं। आप रोज़ा रखने लगे हैं, लोग कहेंगे शायद ये रियाकारी के लिए रोज़ा रख रहा है, चलो जी रोज़ा छोड़ देते हैं। अबे लोगों की वजह से तुम अमल छोड़ दोगे क्या? तुम अपनी नीयत ठीक करो ना। अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना है, अगर कोई मिस्कीन कोई हाजतमंद है और आपके पास गुंजाइश नहीं है तो किसी साहिब खैर से आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि भाई वो फलां आदमी है, तुझे मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, जाओ चल के देख लो, जाके वहां देख लो, खुद दे के आ जाओ। وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, तीसरी बीमारी ये है असल में, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, और तुम मीरास खा जाते हो, दबा जाते हो, हड़प कर जाते हो, أَكْلًا لَّمًّا, अक्लन मुकम्मल तौर पर मीरास खा जाते हो, मरने के बाद अभी जनाजा पड़ा हुआ है, झगड़े पहले से शुरू हो जाते हैं जायदादों पर, बेटियों के हिस्से खा जाते हो, बहनों के हिस्से खा जाते हो। वह तो हिब्बुन अल माल हुब्बन जम्मा, असल में ये तीनों अमराज क्यों हैं, यतीम का इकराम न करना और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब न देना और मीरास का माल जमा करके खा जाना, इस इन तीनों अमराज का सबब क्या है? वह तो हिब्बुन अल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल को जमा करते हो, हुब्बन सख्त मोहब्बत है तुम्हारी, और तुम माल से मोहब्बत रखते हो, जम्मन बहुत बड़ी मोहब्बत रखते हो। कल्ला, नहीं ऐसा करना चाहिए तुम्हें, ये माल तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। वो वक्त तुम्हें याद रखना चाहिए, इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन को कूट कर रख दिया जाएगा, रेजा रेजा करके रख दिया जाएगा, क्यामत का मंजर आ गया। वजा रब्बुक, और तेरा रब आ जाएगा, है वल मलक, फरिश्ते भी, सफ़न सफ़ा, कतार अंदर कतार फरिश्ते भी उतर आएंगे। वजी अयम इदिम भी जहन्नम, और उस दिन जहन्नम को भी सामने लाया जाएगा। यौम इदिन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान नसीहत पकड़ना चाहेगा कि मुझे कोई नसीहत करे तो मैं समझ जाऊं। लेकिन वह अन्ना लहुज़िक्रा, अब नसीहत उसको कैसे फ़ायदा देगी, इसलिए कि वो जगह दारुल अमल नहीं है, वो जगह दारुल जज़ा है, दारुल जज़ा में जाके अब इसे कोई नसीहत फ़ायदा नहीं देती। और फिर क्या कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ये कहेगा हाय काश, यहाँ तशरीफ लाए दस्तार साहब, यहाँ यकूलु या लैतनी, कहेगा हाय काश, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय काश मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता, हाय अफसोस मैं कुछ भेज देता अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए, मैं कुछ अमल तो किया नहीं है, अब सामने अजाब सारे नज़र आ रहे हैं, तो कहेगा हाय काश मैं कुछ भेज देता। फ़यौमइज़िन, उस दिन, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, नहीं अजाब देगा, ला युअज़्ज़िब अज़ाबहू, उस अल्लाह के अजाब की तरह का कोई अजाब नहीं देने वाला होगा। वला यूसिकु वसाकहू अहद, और उस अल्लाह की पकड़ जैसा किसी की पकड़ नहीं होगी। असल में औसाक यूसिकु कहते हैं हथकड़ी डालना, हैं मुजरिम के हाथ में हथकड़ी डालना, पैरों में बेड़ियाँ डालना, गले में तोक डालना, तो ये गोया कि सजा की इंतहा होती है, जिल्लत की इंतहा
होती है। वला यूसिकु वसाकहु अहद, और कोई भी जनाब उस दिन जिस तरह से अल्लाह के यहाँ पकड़ है और अल्लाह के यहाँ सजा है, ऐसी कोई सजा नहीं दे सकेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, आओ आज तुम्हें इस बीमारी का हम इलाज बता दें। बीमारियां बता दी है ना, क्या बीमारियां थी? ला तुकरिमून अल यतीम, एक बीमारी। वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन, दूसरी बीमारी। वताकुलून तुरासा अकल लम्मा, ये तीसरी बीमारी। और तीनों बीमारियों का सबब बताया। वतुहिब्बून अल माला हुब्बन जम्मा, ये सबब बता दिया। फिर ज़रा आखरत के हालात सुना दिए। आओ अब बीमारी का इलाज। क्या खूब है, क्या खूब अंदाज है, क्या खूब अंदाज है, क्या खूब अंदाज है। तबीब माहिर और हाजिक के पास आप जाते हैं और वो आपको तीन बीमारियां बताता है, और तीन बीमारियों के बाद फिर उन बीमारियों का सबब बताता है, ये बीमारियां तेरे अंदर इसलिए आई हैं। फिर उसके बाद उन बीमारियों का अंजाम बताता है, अंजाम क्या होगा इन बीमारियों का। ये फिर जहन्नम को जिक्र किया ना, ये अंजाम बताया। ये क्या बताया? अंजाम बताया। चलो आओ आखिर में इलाज भी तुम्हें बता देता हूँ, आओ आखिर में तुम्हें इलाज भी बता देता हूँ कि हमने तुम्हें बीमारियां भी बता दी, बीमारियों का सबब भी बता दिया, और अंजाम से पहले डरा दिया कि खौफनाक इसका अंजाम होने वाला है इन बीमारियों का। और जनाब अब सुन लो इस बीमारी का हल क्या है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना लो। पीछे दो नफ्स गुजर चुके हैं 12वें पारे में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, है नहीं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, 13वें सिपारे के अंदर। एक नफ्स तो वो है जो हमेशा आदमी को गुनाह का हुक्म देता है, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। एक नफ्स वो है जो नफ्स लवामा है, जो नेकी की कमी पर भी आदमी को मलामत करता है और गुनाह के होने पर भी आदमी को मलामत करता है। ये भी चल जाएगा, इस पर आदमी मेहनत करता है, सुलहा की सोहबत इख्तियार करता है, अच्छी सोहबत में इंसान जुड़ता है, कुरान से आदमी का ताल्लुक होता है, तो फिर ये तीसरा नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना उसको कहते हैं कि शरीयत जिसका मिजाज बन जाए, जिस तरह से खाना खाने बगैर आदमी को चैन नहीं आता, ऐसे ही नमाज पढ़े बगैर इसको चैन नहीं आएगा, तिलावत किए बगैर इसको चैन नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल एक साथी मुझे कहने लगा, एक तालिब इल्म मुझे कहने लगा, इसको कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना कि उस्ताद जी आपने कहा जब से ना कि भाई रात को तुम लोग देर से सोते हो तो नफिल अदा करके सोया करो, इसलिए कि तालिब इल्म आम तौर पर रात को 1 बजे 1:30 बजे सोता है, वो पढ़ता रहता है। और हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का भी वो भी इरशाद फरमाया करते थे, भाई तुम रात 1 बजे 1:30 बजे सोओगे, जवान लोग हो, अब सुबह तुम तहज्जुद के लिए कैसे उठोगे। तो वैसे भी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में लिखा है कि ईशा की नमाज के बाद जो नवाफिल अदा किए जाते हैं वो तहज्जुद में शुमार होते हैं, तो तुम सोते वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो, 2-4 रकातें 6 रकातें पढ़ लिया करो। वो तालिब इल्म मुझे कहता है उस्ताद जी सफ़र में होता हूँ, घर में होता हूँ, मदरसे में होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, कभी कभी सुस्ती हो रही होती है कि भाई आप कौन पढ़े, भाई छोड़ो यार कौन वजू करे, जाके लेटता हूँ नींद ही नहीं आती, बार बार ख्याल आ रहा है नफिल नहीं पढ़े, जब तक फिर उठता हूँ और उठ के वजू करके आके नफिल पढ़ता हूँ, फिर लेटता हूँ, फिर फौरी नींद आ जाती है। इसको कहते हैं तबीयत बन जाना, तबीयत बन जाना, अल्लाह अकबर, मिजाज बन जाए मेरे प्यारो, मिजाज बन जाए। झूठ बोला तो ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जिस्म के साथ कोई नापाकी लग गई है, हैं, जुर्म मैंने किया तो ऐसा लग रहा है जिस्म के साथ कोई नापाकी लग गई है, तौबा के बगैर मुझे चैन ना आए, ये है, इसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है, जब उनके जसद मुबारक को कब्र के अंदर डाला गया तो एक पर्चा ऊपर से आया, और उस पर्चे के पर्चा बिल्कुल अंदर ही दाखिल हो गया उनके कफन के अंदर, और उस पर लिखा हुआ था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और ये लिखा हुआ था कि बराअतुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से साफ साफ बराअत का ऐलान है। किसके लिए? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए ऐलान है, मिनन नार, दोज़ख़ से अल्लाह ने इनको बरी कर दिया।
और एक आवाज देने वाले ने आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ये आवाज दाएं बाएं से आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा, ये कौन है? इसको कहते हैं मेरे प्यारो नफ्स मुतमइन्नह। तो नफ्स मुतमइन्नह अगर बन गया ना तो ये सारी पीछे चीजें जो हैं ये हल हो जाएंगे मसाइल। इसलिए अपने आप को अच्छी सोहबत में जोड़ो। इतवार, आज इतवार है ना, इशा की नमाज के बाद हमारे यहाँ मजलिस होती है और उस पर जिक्र भी होता है, मुराकबा भी होता है। इस किस्म की इस्लाही मजालिस में अपने आप को जोड़ा करो जिनका उन्वान और मौजू ही तज़किया नफ्स होता है, तज़किया नफ्स होता है। तो इसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। अब बताओ इस नफ्स मुतमइन्ना को क्या कहा जाएगा? जब रूह निकलती है ऐसे शख्स की तो कहा जाएगा इरजिई इला रब्बिकी राज़िया, चल चल अपने रब के पास। इला रब्बिकी अपने परवरदिगार के पास, इलल्लाह नहीं कहा, अपने रब के पास। रब तो मेहरबान, जिसके अंदर मेहरबानी है, जैसे माँ मेहरबान है ऐसे वो क्या है, राजियतन, इस तौर पर कि जनाब रब तुझसे राजी है, मरजियतन तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी तू उससे राजी। रजा दोनों तरफ से जब होती है तो फिर मजे ही अलग होते हैं। हैं जी, मेहमान मेरा आया है, मेहमान आया है, वो मेरे घर में आया, वो तो खुश हो रहा है, मुझे आने की खुशी नहीं है। नहीं समझे? वो तो ये कह रहा है कि जनाब अच्छा हुआ मुझ सब से मुलाकात हुई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुसीबत आ गई। तो मतलब ये कि दोनों तरफ से रजा नहीं है। जब दोनों तरफ से रजा मिलती है तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है ना। इसलिए कहा कि तुम रब के पास चल, तू रब से राजी और रब तुझसे राजी। और अगला जुमला सुनिएगा, फद खुलीफी इबादी वद खुली जन्नती, चल दाखिल हो जा मेरे बंदों में और चल दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। मेरे बंदों में दाखिल हो जा, बंदों का तज़किरा पहले किया, हालांकि यूं कहना चाहिए था जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में वहां नेक बंदे भी होंगे उनके साथ मुलाकात कर। लेकिन कहा कि नहीं, फद खुलीफी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। माना यह है कि जनाब ये नफ्स मुतमइन्ना तुझे मिलेगा नेक बंदों की सोहबत से। ये दुनिया में आ जा, मेरे बंदों की सोहबत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों के साथ बैठना उठना इख्तियार कर, फिर इसके बाद होगा वद खुली जन्नती, फिर जन्नत तुझे मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारे शेख हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदा, अल्लाह ग़रीक़े रहमत फरमाए, इरशाद फरमाया करते थे, नेक सोहबत का लाजमी असर है ख़ात्मा ईमान पर होगा तुम्हारा, नेक सोहबत का लाजमी असर है ख़ात्मा ईमान पर होगा। कहाँ है आज फुर्सत नेक सोहबत की? आज फुर्सत ही नहीं है जवानों को नेक सोहबत की। भाई नेक सोहबत की फुर्सत ही नहीं है, आज मौसीकी की सोहबतों की फुर्सत है। आज गाना तमाशा जहाँ लग रहा हो वहाँ जाने की तो फुर्सत है मेरे जवान के पास, नेक सोहबत की फुर्सत नहीं है। सूरतुल बलद मक्की सूरत है और इसमें 20 आयात हैं, और ये सूरह मुबारका इसका जो खुलासा है, एक तो दावा है इसका कि इंसान बहरहाल इस जहान में मशक्क़त में पैदा किया गया है, और फिर इंसान पर होने वाले इनामात हैं, और फिर उसके बाद तरगीबात है। तीन बातें हैं गोया के, दावा सूरत, इनामात और तरगीबात। दावा, इनामात, तरगीबात। ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। ला ज़ायदा करार दिया जाए तो फिर माना यह है कि ला उक़सिमु, अक्सर मुफस्सरीन ने ला को ज़ायदा करार दिया, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, शहर से मुराद मक्का है। और अगर ला को ज़ायदा न करार दिया जाए तो माना यह कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाता, ज़रूरत ही नहीं है कसम खाने की। क्यों? इसलिए कि आपका जसद अक़दस इस शहर के अंदर मौजूद है, इतना बुलंद एज़ाज इस शहर को हासिल है, तो कसम खाने की जरूरत ही क्या है। यह दूसरा माना है इसका, ला उक्सिमु बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की। व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, दो माने इसके भी, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, और ये शहर आपके लिए हलाल कर दिया जाएगा, एक वक्त तक हलाल किया जाएगा। माना ये कि मक्का में किताल हम आपके लिए हलाल करेंगे, एक वक्त आने वाला है, फतह मक्का के कुछ वक्त के लिए आपको किताल हलाल करार दिया गया। दूसरा माना है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, हिल
दुखूल से है, जिसका माना है कि आप मौजूद हैं इस शहर के अंदर, आपका वजूद मसऊद ही काफ़ी है, कसम की ज़रूरत ही नहीं है। वालिदिन वमा वलद, और कसम है बाप की वमा वलद, और जो कुछ उसने जना है उसकी कसम है। इससे मुफस्सरीन लिखा कि मुराद आदम अलैहिस्सलाम और उनकी तमाम ज़ुर्रियत है। ये सब कसमें खाकर अल्लाह तो क्या कहना चाहता है। अब है दावा सूरत, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान को हमने मुशक्क़तों में पैदा किया है। माना यह कि इस जहान में हैं ही मुशक्क़तें हैं, मतलब यह है कि मुशक्क़तें, अगर ये दीन के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करेगा तो इन मुशक्क़तों का फ़ायदा है, अगर ये गुनाह के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करेगा तो उसके लिए तबाही तबाही है। मतलब यह कि इंसान किसी मंजिल और मकाम तक पहुँचता है तो मुशक्क़त के बाद ही पहुँचता है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इसने ये समझ रखा है, गुमान कर रखा है, अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कि इस पर कोई ज़ात कुदरत नहीं रखती, कोई गालिब नहीं आएगा। ये अपने मज़े से और ढटाई से और गुनाह से ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या ये इस बात का यकीन नहीं रखता कि कोई ज़ात इस पर कुदरत रखती है? क्यों नहीं रखती? अल्लाह कुदरत रखता है। यकूलू, और ये कहता है, अहलकतु मालल लुबदा, मैं तो अपने आयज़ा अकरबा में, अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने चाहने वालों में, अपने मोहब्बत करने वालों में और अपने अपने रफ़क़ा के जम्मे गफ़ीर में मैं बड़ा माल तबाह कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, उधर भी खिलाया, उधर भी खिलाया, उधर भी खिलाया, तो अब मुझे कौन नुकसान दे सकता है? जहाँ से कहीं नुकसान आया तो मैं इस जत्थे को बुला लूँगा, उनको बुला लूँगा, उनको बुला लूँगा। ओ मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से ये मांगो, ऐ अल्लाह मेरा माल नेक लोग खाएँ। इसी बात से हजरत लागत अलग नहीं है कि भाई इस तरह की बहस हो रही थी और जब कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पर तो कुदरत रखी जाएगी, वो कह रहे थे नंबर नहीं ला नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है कि जो तुम कर रहे हो, बल्कि बात तो ये है, मैं कसम खाता हूँ कि ये बात है कि तुम पर तो अल्लाह कुदरत रखता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, इसको भी आप कर सकते हैं, कई अहतमालात हैं, लेकिन मैं उस वक्त चूंकि इख्तसार लेके चल रहा हूँ, तो बात यह है कि यहसब अल्लाह यक़दिर अलैहि अहद, ये ख्याल करता है कि नहीं, क्यों नहीं, कसम है मुझे, मैं कुदरत रखता हूँ भाई, क्यों नहीं। तो बहरहाल बात यह है कि अहलक तो माल लुबादा, ये कहता है कि मैंने बड़ा माल खर्च किया है, बहुत ज़्यादा खर्च, किस में खर्च किया, सबको मैंने खिलाया, पुलिस वालों को भी खिला दिया है, उधर भी खिला दिया है, उधर भी खिला दिया है, आर्मी को भी खिला दिया और जनाब जजेस को भी खिला दिया, फैसले तो मेरे हक में होंगे, शाबाश, यहाँ तो तूने सब कुछ खिला दिया है, रिश्वत दे दी है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, हाँ क्या इसने ये गुमान रखा है कि कोई इसको देख नहीं रहा, ये कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, ये कहाँ कहाँ लगा रहा है, ये किसको दे रहा है और ये किस लिए दे रहा है। आपने एक दुआ सुनी होगी, अल्लाह करे सुनी हो और अल्लाह करे याद की हो, अफ्तर इंदकुम अस्साइमून व अकलत तआमकुम अलअब्रार व सल्लत अलैकुम अलमलाइका, दावत को हम बड़ी शौक से खा लेते हैं, काश के दावत खाने की दुआएं याद तो हों। किसी ने घर में दावत की है और दावत आपने खा ली है, तो एक तो दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना, जो हम आम खाने की दुआ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, दूसरी दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अत्इमन अत्अमनी वस्किमन सक़ानी, ये भी उसके सामने नहीं पढ़ेंगे, ये हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जिसने मुझे खिलाया उसे तू खिला, जिसने मुझे पिलाया उसे तू पिला, ठीक है जी। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कथीरन तय्यबन मुबारकन फी गैर मुवद्दिन वला मुस्तग़निन गैर मकफीन वला मुवद्दिन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बरा, ये दुआ भी पढ़ी जाती है, दस्तरखान जब उठाया जाता है तो ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अशबाना व अरबाना व अनअम अलैना व अफ़ज़ला, ये दुआ भी पढ़ी जाती है, कोई पढ़ेगा तो हिसाब ही नहीं होगा। ये दुआएं लिख के लगाओ ना जहाँ घर में खाना लगता है, हैं जी, हाय हाय क्या प्यारे पैगंबर की दुआएं हैं जनाब, ये जनाब वो खाने वाला रूम है ना, उसमें जनाब मेज़ भी लगे हुए हैं, कुर्सियां भी लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, कभी अब चलो बच्चों दुआ पढ़ो, क्या दुआ पढ़े जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और क्या जी, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, खा लिया खाना जी, खा लिया, बच्चा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना, अरे कुछ दो चार और भी सुख सिखा दो इस बेचारे को भाई,
कुछ थोड़ा सा और भी। अरे भाई तुमने प्राइमरी पर इक्तफा क्यों नहीं किया, आगे क्यों ले गए हो मिडिल में, मिडिल पर इक्तफा क्यों नहीं किया, मैट्रिक में क्यों ले गए हो, आगे इंटर में क्यों। भाई तरक्की करनी है ना, तो भाई इस्लाम में तरक्की से किसने रोका है, हैं? एक दुआ जो बचपन में अम्मा ने पढ़ाई थी या बचपन में जनाब कायदे में पढ़ी थी, मकतब में पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या यही दुआएं अल्लाह के नबी की, बस कोई आगे और दुआएं नहीं है, कौन सिखाएगा इनको। फिर जब आप किसी के यहाँ दावत खाएं, जब आप रुख्सत हों, मुसाफा करें, फिर आप उसको खिताब करके सामने उसको करके ये कहे, हैं जी क्या कहें, अकल तो आम अकल वरार है, अफ्तर इंदकमसाइमून, अल्लाह करे रोजे रोजेदार तेरे घर में रोज़ा इफ्तार करते रहे, वह अकल तो आम अकमल अबरार, नेक लोग तेरे घर में खाना खाते रहे, वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तेरे घर में क्या है, रहमतें लेके आते रहे। अब कंजूस होगा तो वो कहेगा भाई बदवा दे रहे मुझे, हैं? एक शख्स को मैंने दुआ दी है ये सारे, अब उस बेचारे को क्या पता कि मौल साहब क्या कह रहा है, मुझसे मौल साहब क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, अरे भाई दुआ दी है फिर मैंने तर्जमा बताया है, ये इसका तर्जमा है। उसने सोचा होगा कि शायद ये दुआ देगा कि अल्लाह और माल दे, अल्लाह ये दे, अल्लाह ये दे। तो भाई जब अल्लाह के नबी ने दुआ दी कि नेक लोग आपके घर में खाना खाते रहें, तो मतलब ये कि अल्लाह माल भी देगा ना, अल्लाह माल भी देगा। तो नेक लोग नहीं खाएंगे तो फिर बद खाएंगे, फिर बुरे लोग खाएंगे। पैसे जनाब तनख्वाह लेके आया जनाब, वो पेंशन मिली है जनाब, 50 लाख की पेंशन मिली है जनाब, कोई उधर लग गए, कोई उधर लग गए, कोई दोस्तों ने उड़ाए, चल जनाब पिकनिक पे चलते, वो सारे ले लू के चले गए जनाब, कोई किसी नेक आदमी को एक जर्रा भी इसने नहीं खिलाया, ये जुल्म ना हो ना। तो बात ये थी कि ये कहता है मैंने बड़ा माल लगाया, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, हाँ ये ख्याल करता है, ये ख्याल करता है कि कोई देख नहीं रहा, अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या ये जो देख सकता है इसको हमने आंखें नहीं दी हैं, ये नियामतें इनामात, अलम नजअल लहु ऐनैन, ये दो नियामतें हमने इसको दो आंखें दी हैं, इनका तकाजा ये था कि शुक्र अदा करता, वलिसानन और जबान दी है, हैं आंख दी है उस आंख के जरिए से ये हक बात को देखता, और जबान दी है जबान के जरिए से ये हक बात को पूछता, और वशफतैन और ओंट भी दिए हैं, ओंट क्या हैं, ये जबान के साथ कमाल करते हैं, बोलने में मुआविन और मददगार होते हैं, आदमी के ओंट अगर ना हो तो पूरी तरह की बात समझ में आती नहीं है ना, ओंट काबू में नहीं है, जब आदमी के दांत खत्म हो जाते हैं तो फिर आदमी बोलता तो है लेकिन चूंकि काबू में नहीं होते तो इसलिए सही तरह की बात समझा नहीं पाता। अल्लाह पाक अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं, अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाएं, उन्होंने ये भी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर लिकैला अअलम मिन बादे इल्मिन शैआ, ऐ अल्लाह मैं उम्र के उस नकम्मे पन से पनाह मांगता हूं कि जिस जमाने में मुझे सब कुछ भूल जाए, हैं सब कुछ भूल जाए, उस वक्त से पनाह मांगता हूं, पनाह मांगता हूं। वहदैनाहुन नजदैन, और फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, और हमने इसको दोनों राहें खोल दी हैं, खैर का रास्ता भी दिखा दिया, शर का रास्ता भी दिखा दिया, इख्तियार इसको दे दिया, अपनी मर्जी है। फलकतहम अलअक़बा, लेकिन ये नहीं नहीं धमका और ये नहीं चढ़ा, अलअक़बा घाटी पर, असल में एक घाटी होती है जो दो पहाड़ियों के बीच में घाटी होती है, जहाँ आदमी आकर क्या करता है, अपना दिफा कर लेता है, सर्दी से बचता है, गर्मी से बचता है, दुश्मन से बच जाता है, तो उसको अकबा कहा जाता है। दो वादियों के पहाड़ों के पहाड़ियों के बीच की जो जगह है वो है क्या, अकबा। तो कुरान करीम कभी कभी ताबीर करता है, जाहिरी जो हालात होते हैं उन जाहिरी हालात को देखकर एक ताबीर लेके आता है, और उस ताबीर से कुरान मसला समझाता है कि जिस तरह से तुम अपना दिफा करते हो, किसी घाटी के अंदर दाखिल होकर तुम दुश्मन से दिफा करते हो, तो इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें आमाल की कुछ घाटियां हमने बताई हैं, उन घाटियों के अंदर आकर तुम्हें आखरत के अजाब से अपने आप को बचाना चाहिए था, क्यों नहीं आए हो तुम। यह है फलक तहमल अकबा, तो नहीं आया, नहीं दाखिल हुआ। इक्तहाम का एक माना और भी किया जाता है, बड़ा प्यारा माना है, अगर आपको समझ में आ जाए तो,
اقتحام، وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ عرب، اچھا کہیں کہیں قرآن تعبیر کرتا ہے چونکہ پہلے مخاطب اس کے عرب تھے نا، تو ایسا لفظ لے کے آتا ہے کہ جس لفظ کو سن کر عرب چونک اٹھتے تھے، یہ کیا، یہ ہمارے اندر کے ہمارے مزاج کی بات کیسے قرآن کرتا ہے، وہ کیا اقتحام، مقابلہ ہوتا تھا گھڑ سواری کا مقابلہ، اور بیچ میں چھوٹی سی ایک خندق کھودتے تھے نا، اور اس خندق کو گھوڑے نے پار کرنا ہوتا تھا، دو گھڑ سوار دوڑتے 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 آئیں گے، اور وہ خندق اتنی نیچے کہ اگر گھوڑا گر گیا تو نیچے گر گیا، اور پار ہو گیا تو پار ہو گیا، تو وہ اس طرح سے اس کو پار کرتے تھے، اس کو بھی اقتحام کہتے ہیں، مطلب ہے کہ دوڑ کر اس مشکل سے اپنے آپ کو کیا کرنا، نکالنا۔ تو اس دنیا میں آپ کو دوڑ کر اپنی مشکل سے، آخرت کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ آؤ ہم تمہیں چند اعمال بتاتے ہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اب وہ گھاٹی سنو، چند اعمال ہیں کہ وہ اعمال تم اختیار کرو گے تو آخرت کی خوفناک گھاٹیوں سے تم بچ سکو گے۔ فک و رقبہ، گردن کا آزاد کرنا، کوئی غلام ہے اسے آزاد کر دو، کوئی قیدی ہے اور بے گناہ پھنسا ہوا ہے اس کی آزادی کے اسباب پیدا کر دو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا یہ کہ کسی کو کھانا کھلا دو، بھائی اطعام، کھانا کھلا دو، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جب بھوک والا دن ہو، بھوک والے دن میں اس شخص نے آج کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلا دو اس کو، آپ کو پتہ ہے کھانا نہیں کھلایا، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہ اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کی بہترین خوبی آپ مجھے بتا دیں، آپ نے دو باتیں بتائیں، طیب الکلام و اطعام الطعام، کہا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام کی بلند خوبیوں میں سے ہے، بلند محاسن میں سے ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی چیز آپ سے پوچھتا ہے، آپ خوبصورت انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، بہترین گفتگو کریں، اخلاق کے دائرے میں گفتگو کریں، اور اسے کھانا پیش فرمائیں، گھر میں آیا ہے تو مہمان ہے، کھانا پیش فرمائیں۔ یہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ کسی فقیر ہی کو کھلائیں، نہیں، آپ اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں، آپ اپنے غنی کو کھلاتے ہیں، اب مالدار کو کھلاتے ہیں۔ اسلام میں کھانا کھلانا ویسے بھی اچھے اعمال میں سے ہے، اور اس کو بہترین اسلام کی نشانی بتایا ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، یا ایسے یتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار بھی ہو، یتیم ایک اجنبی اور ایک یتیم قرابت دار، دیکھو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام طور پر قرابت دار یتیم کو کھلانے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی اور اس کی ماں کی ساری برائیاں سامنے ہوتی ہیں نا، تو آدمی اس سے اجتناب کرتا ہے۔ او مسکینن، یا مسکین کو، ذا مطربہ، جو مٹی اور پر اگندہ بال ہو اور جناب اس کے جسم پر مٹی لگی ہے، ایسا مسکین ہے۔ ثم مکان من الذین آمنوا، پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ جو اعمال، ہاں ہاں، فک رقبہ، گردن آزاد کرانا، قیدی کو آزاد کرانا، قرضے سے کسی کو خلاصی دلانا، او اطعام، کھانا کھلا دینا بھوک والے دن، یتیم کو جو قرابت دار ہے، یا مسکین کو جو پر اگندہ حال ہے، لیکن یہ سب چیزیں، یہ سب چیزیں، یہ نیکیاں بنیں گی کب؟ ثم کان من الذین آمنوا، یہ ایمان، یہ اعمال ان لوگوں کی جانب سے ہوں گے جو ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان ہوگا تو یہ اعمال کیا ہوں گے، مؤثر ہوں گے، نجات کے قابل ہوں گے۔ ایسے تو آج غیر مسلم بھی جناب فک و رقبہ کرتا ہے، اطعام تو وہ بھی کرتا ہے، بڑی بڑی این جی اوز کام کرتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور سیلاب اور مصائب میں، اس قسم کے حالات میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کے لیے شرط ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ سارے اعمال ان لوگوں کی جانب سے ہوں جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم دلی کی، صلح رحمی کی تلقین کرتے رہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہمارے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ بد نصیب ہوں گے جن کے نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملیں گے، علیہم نار مؤصدا، اور ان کے اوپر آگ ہوگی بندی ہوئی، آگ بندی ہوئی، آگ کیسے بندی جاتی ہے، اس آگ کو پابند کیا جائے گا، تم نے اے آگ، تو نے انہی کو جلانا ہے،
हाय हाय हाय, उधर आग, या नारुकोनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग वहाँ अल्लाह का हुक्म मान रही है और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बर्द ठंडी बन गई है और सलामती वाली बन गई है दुनिया में, आखिरत में जो आग होगी वो अल्लाह के हुक्म की क्या पाबंद नहीं होगी। तो अल्लाह पाक ने उस आग को पाबंद कर दिया है इनको सजा देने के लिए। वशम्स व दुहाहा, ये बड़ी प्यारी सूरत है और इसमें तो कस्में ही कस्में, सबसे ज़्यादा जो कस्में अल्लाह ने खाई हैं सूरत शम्स में कस्में, और ये कोई बहुत बड़ी सूरत नहीं है, सिर्फ 15 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है और इसमें कस्में खाकर कामयाबी और नाकामी का मेयार समझाया है और गुज़श्ता कौम से एक तारीख का हवाला दिया है। तीन बातें हैं, कस्में हैं और दावा सूरत है और फिर गुज़श्ता कौम की तारीख है। बड़ी अजीब सूरत है। अब सुनिए, वशम्स व दुहाहा, शम्स सूरज की कसम, व दुहाहा और उसकी रोशनी की कसम, मुकम्मल जब सूरज रोशन हो जाए उस वक्त की कसम, वल कमर और चांद की कसम, इदा तलाहा जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, तला यतलू इसी से तिलावत भी है, तिलावत का माना होता है पीछे चलना है, तो कुरान करीम के पढ़ने को क्या कहा जाता है, तिलावत करना। मैं किसी और किताब को अगर पढ़ रहा हूँ ना तो उसको तिलावत नहीं कहते, तिलावत का ताल्लुक कुरान करीम के साथ है जी। इसको तिलावत इसलिए कहा जाता है कि तला यतलू का माना किसी के पीछे चलना, तिलावत करने वाला आदमी सिर्फ तिलावत नहीं कर रहा बल्कि इसको फॉलो कर रहा होता है, इसके पीछे चल रहा होता है। और सूरह कहफ में एक अजीब जुमला है, एक अजीब जुमला है, मुझे आप इजाज़त दें, वक्त भी नहीं है, लेकिन मैं वो जुमला कहे बगैर मैं रह नहीं सकता, क्या करूं। जवानों को मैंने बारहा इस जुमले की तरफ मुतवज्जे किया कि सूरतुल कहफ जो है असल वो बहरहाल जवानों को ज़िंदगी के बड़े अहम मराहिल फराहम करती है कि जवान आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजारे और अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे। वहाँ पर है, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, इसका तर्जमा मैं अर्ज ये किया करता हूँ, एक है वत्लु मा ओहिया, जो वही किया गया है उसकी तिलावत कीजिए, एक तर्जमा तो ये है, एक तर्जमा मैं अर्ज किया करता हूँ वत्लु मा ओहिया, चूंकि सूरह कहफ में फितने ही फितनों का बयान है और दज्जाल के फितनों से खुलासी का रास्ता सूरतुल कहफ में बयान किया गया है, तो या अल्लाह उन फितनों से खुलासी का क्या रास्ता होगा, कहा वत्लु मा ओहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, तेरे रब की किताब जो तेरी तरफ वही की गई ना, बस उसके पीछे पीछे चलता रहे, बस उसके पीछे पीछे चलता रहे, दाएं बाएं न देखना, उनके पीछे पीछे चलता रहे तो फिर तू देख कैसे तू कामयाबी को पहुंचता है। तो ये है तलाहा, और कसम है किसकी, चांद की, जब वो सूरज के पीछे आए। तो वैसे भी चांद सूरज के पीछे ही आता है, आप देखते हैं कि जनाब जिस दिन पहला दिन का चांद नजर आता है तो सूरज के साथ सुबह से ही चल रहा होता है ना, और जैसे ही सूरज डूब जाता है और उसकी रोशनी कम होती है तो फिर वो क्या है, नजर आता है। और दूसरा नुक्ता यहां पर यह है कि ये उसके पीछे पीछे आता है, और तला यतलू का मतलब ये भी है किसी से कस्फ करना, किसी से फैज हासिल करना, हम कुरान से फैज हासिल करते हैं तो चांद सूरज से रोशनी का फैज हासिल करता है, ये वो भी इशारा है कि जनाब सूरज की रोशनी अपनी रोशनी है और चांद की रोशनी जो है वो मुस्तफाद है, वो हासिल शुदा है किससे, सूरज से, यह इशारा इस बात की तरफ। वन नहार और दिन की कसम, इदा जल्लाहा जब वो सूरज को रोशन कर दे, हैं दिन की कसम, माना इसका तर्जमा आप ये भी कर सकते हैं, हालांकि ये होना चाहिए कि था कि सूरज की कसम जब वो दिन को रोशन कर दे, यहाँ कहा दिन की कसम जब वो सूरज को रोशन कर दे, तो माना ये है कि दिन की कसम, इदा जल्लाहा जब वो सूरज को जाहिर कर दे, दिन आता है तो सूरज जाहिर होता है, रात आती है तो सूरज छुप जाता है, वल्लैल और रात की कसम, इदा यग्शाहा जब वो सूरज को ढांप ले, ढांप ले। तो ये आप समझें कि चार आयात आपस में जोड़ा हो गई हैं, जहां शम्स ही का ज्यादा तज़किरा है, शम्स की कसम और उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जब शम्स के पीछे आए, और इसी तरह से नहार दिन की कसम जब वो सूरज को रोशन कर दे, लैल की कसम जब वो सूरज को ढांप ले। अब आगे दूसरा
एक जोड़ा है कसमों का, वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की, वमा बनाहा और उसके बनने की कसम। एक तर्जमा इसका यह है, कसम है आसमान की और कसम है उसके बनने की कसम। हैं मतलब है कि माँ को मसदरिया के माना में लेंगे तो उसके बनने की कसम। दूसरा माना यह है, वह समा आसमान की कसम, वमा बनाहा, माँ बमाना मन के लिया जाए और उस जात की कसम जिसने उसको बनाया यानी अल्लाह की कसम। वल अर्दे और जमीन की कसम, वमा तोहा और उसके फैलने की कसम, या दूसरा माना जमीन की कसम और उस जात की कसम जिसने उसको फैलाया है। व नफ्सिन और नफ्स की कसम, वमा सवाहा और उस जात की कसम जिसने उसको बराबर किया, या नफ्स की कसम और उसके बराबर बनने की कसम। अब सुनिए कितनी कसमें हो गई। नंबर एक, व शम्स, शम्स की कसम। नंबर दो, व जुहाहा, उसकी रोशनी की कसम। नंबर तीन, वल कमर, कमर की कसम। नंबर चार, वल लैल, लैल की कसम। नंबर नंबर चार, वल नहार, नहार की कसम। हैं नंबर चार, सही कह रहा हूँ, शम्स एक, जुहाहा दो, कमर तीन, नहार चार, लैल पांच, समा छः, और उसके बनाने वाले की कसम या उसके बनने की कसम कितनी हो गई, सात। वल अर्ज, अर्ज की कसम, वमा तहाहा, आठ। अर्ज कितनी हो गई, अर्ज आठ हो गई, और वमा तहाहा नौ हो गई। व नफ्स और नफ्स की कसम, वमा सवाहा और जिसको इसने बनाया या इसके बनने की, ये ग्यारह कसमें हैं। कुल कितनी कसमें, ग्यारह। या अल्लाह कसम खाकर तू क्या कहता है, नफ्स के मुतालिक एक बात और भी बता दी, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कि हमने हर नफ्स को उसका फजूर भी बता दिया और उसका तक्वा भी बता दिया। माना ये कि नेकी का रास्ता भी बता दिया, शर का रास्ता भी बता दिया। अपने इख्तियार से नेकी इख्तियार करेगा, अजर पाएगा, अपने इख्तियार से गुनाह पर जाएगा, सजा पाएगा। अब अगली बात सुनिएगा, या अल्लाह तूने ग्यारह कसम खा के तूने क्या कहा, कद अफलह मन ज़क्का, हाय हाय, कद अफलहा, यकीनन ये है जवाब कसम, कसम है, पक्की बात है, कामयाब हो गया वो आदमी, अफलहा कामयाब हो गया, दारैन में, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गया, मन वो शख्स, जक्काहा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। किससे पाक कर लिया, नंबर एक अपने नफ्स को कुफर से पाक कर लिया, नंबर दो अपने नफ्स को शिर्क से पाक कर लिया, नंबर तीन अपने नफ्स को अखलाक़े रजीला, हसद, कीना, बुग्ज, इस किस्म की चीज़ों से पाक कर लिया, नंबर चार अपने नफ्स को दुनिया की गंदगी मोहब्बतों से पाक कर लिया, गोया कि अपने नफ्स को उसने संवार लिया। हर वो शय जो इंसान के नफ्स को नुकसान पहुंचा रही थी, उन तमाम चीज़ों से इसने अपने नफ्स को क्या कर लिया, पाक कर लिया। वक़द ख़ाबा, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ख़ार हो गया, जलील हो गया, मन दस्साहा जिसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया। माना यह कि तबाह कर दिया, गुनाहों में मुलव्वस कर दिया। अब आओ हम आपको गुज़िश्ता कौम का एक नमूना देते हैं कि जिन्होंने अपने नफ्स को गुनाहों में मुलव्वस कर दिया बावजूद नबी के समझाने के। कज़्ज़बत समूद बितग़्वाहा, जुटलाया है समूद ने, क्यों जुटलाया, बेतगवाहा अपनी सरकशी की वजह से, ये हा ज़मीर समूद ही की तरफ राज़े है। और उस तकजीब की सूरत क्या थी, इदिम बाअथा अशकाहा, जब एक मुस्तैद हुआ, खड़ा हुआ, तैयार हुआ, अशकाहा और कौम समूद का एक बदनसीब आदमी क़ीदार जिसका नाम था, फ़काल लहुम रसूलुल्लाही, और उन सब को पूरी कौम को अल्लाह के रसूल यानी साले अलैहिस्सलाम ने कहा, ना कतल्लाही, हिफाजत करो, ना कतल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी की हिफाजत करो, वसुक्याहा और इसके पानी की बारी की हिफाजत करो, ये तीन दिन जो है ये पानी पिएगी एक दिन, फिर एक दिन आपके जानवर, इस तरह से बारी मुकर्रर होगी। लेकिन वो बहुत बड़ी जसामत की मालिक ऊँटनी थी और जो साले अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुई थी, और वो जब आती जो है वो, तो सारे जानवर उसे देख कर भिदक जाते, भाग जाते, तो इस वजह से
قیدار نامی ایک شخص نے اس اونٹنی کی پیروں کو قتل کر ڈالا، پیروں کو، پونچھوں کو پہلے کاٹا اور پھر اونٹنی کو قتل کیا. اور پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے سورہ آراف کے اندر اور سورہ ہود کے اندر، وہاں صاف صاف سمجھایا تھا کہ ولا تمسوہا بسو، برے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے، اگر برے ارادے سے تم نے اس کو چھوا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، انجام سمجھ میں آیا نہیں. قومیں جب نافرمان ہوتی ہیں تو ان کی مثال اس بچے کی سی ہوتی ہے جس کو انجام نہیں پتا ہوتا. بچہ آپ نے دیکھا ہے شدید ترین سردی کے اندر برف کا ایک ٹکیا ہے تو وہ بھی منہ میں ڈال لیتا ہے، اس کے سامنے انگارا آئے گا تو وہ بھی ڈال لے گا، اس کے سامنے کوئی کیڑا آئے گا تو وہ بھی ڈال. اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اگلا انجام اس کا کیا ہونے والا ہے. قومیں جب اللہ سے دور ہو جاتی ہیں تو ان کا حال ان بچوں سے بھی ابتر ہو جاتا ہے. ارے بچے تو پھر بچے ہیں، یہ حیوانوں سے بھی ابتر ہو جاتے ہیں جب اللہ سے رب ٹوٹتا ہے. تو آگے دیکھیے گا، اس پہاڑی کے اوپر ابھی تک اس کے پاؤں 10 پاؤں میں لگے، 10 پاؤں ماشاء اللہ، اور جو کوچے کاٹی ہیں نا، 2 سوراخ ہیں وہاں پہاڑی کے اوپر، ایسے خون بھی ابھی تک نظر آتا ہے. میوزیم بنا ہوا ہے جی جی سلالہ میں، اور جگہ پوری کی پوری اسی طرح. بس یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو محفوظ رکھوایا ہے. بعض جگہوں پر یہ ظاہر ہے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں اور آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں، تو یہ عبرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نشانیاں محفوظ کرائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اس قوم کی بستیوں سے ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرے، اور اس سے پتہ چلا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ جب کسی ایسی جگہ سے گزر ہو کہ جہاں کسی قوم پر عذاب آئے تو وہاں استغفار کرتے ہوئے آدمی کو گزرنا چاہیے. اب تو صحیح کہہ رہے ہو، تو بس آپ یہ سمجھو نا کہ یہود و نصارہ کی سازشیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو مقامات استغفار کے تھے جہاں ہم جا کے عبرت حاصل کرتے، وہ عبرت کا تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا. اب تو وہ جناب وہ پکنک پوائنٹ ہو گیا، اب تو پکنک پوائنٹ ہو گیا. آؤ بھائی دیکھو گزشتہ قوم، آؤ ریسرچ کرو جی، ریسرچ کرو، آؤ. اب دنیا نے ہمیں اس پر لگا دیا. اللہ پاک حضرت حفاظت فرمائے. یقین جانیے یہ چیزیں، یہ مناظر ہم اپنے اس ملک میں دیکھتے ہیں جہاں جگہ عبرت حاصل کرنے کی ہے. یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ جی لگانے کی جگہ تو ہے نہیں ہے. اب دیکھیے، فکذبوہ، اور جھٹلایا ان سب نے مل کو صالح علیہ السلام کو. فعقروہا، تو اس اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹ دیا. یہ ہے شعائر اللہ کی توہین کرنا، چونکہ اونٹنی شعائر اللہ میں سے ہے. اس کی ہر اونٹنی نہیں، مطلب یہ کہ وہ جانور جس کو دیکھ کر فوری اللہ کی قدرت یاد آ جائے. جیسے قربانی کے جانور ہیں نا، تو قربانی کا موقع آتا ہے، ہر طرف آپ نے دیکھا جانور بندھے ہوئے ہیں، تو بھائی قربانیاں ہیں، بھائی قربانیاں ہیں، بھائی مسلمانوں کی. مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن شعائر اللہ میں سے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، بڑا سخت لفظ آیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دے مارا ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا کوڑا اور ان کو ہلاک کر دیا. فَسَوَّاهَا، اور پھر سیدھا برابر کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا. ہائے ہائے، قصہ ہے، پیارا قصہ ہے. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس لفظ کی تحقیق میں لگا کہ لفظ دم دما کیا ہے. دم دم ایک بار قرآن میں آیا ہے اور اس میں کیا شدت ہے. تو میں، امام اسماعیل 19 سال عربی زبان کو انہوں نے سیکھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. کتنے سال بھائی؟ 19 سال. آج ہمارے بچے جناب 4 سال 6 سال 10 سال انگریزی سیکھنے میں لگا دیتے ہیں تو ہمیں فخر ہونے لگتا ہے. وہ 19 سال اہل زبان ہونے کے باوجود بھی 19 سال لگائے، کہتے ہیں میں لفظ دم دم کی تحقیق میں نکلا. وہ ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے کوئی لغت تو ہوتی نہیں تھی کہ جناب کیا کریں، کوئی بڑی ڈکشنری دیکھیں. وہ دیہاتوں میں جاتے تھے، جا کے سنتے تھے کہ لوگ اس لفظ کو بے ساختہ جو آدمی استعمال کرے گا نا، یہ ہے بات کہ بھائی یہ لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے. دیکھا کہ ایک ہانڈی پک رہی تھی اور ایک جھونپڑے کے باہر ہانڈی تھی، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا تھا، اور جیسے آج جنا مائیں بہنیں پکاتی ہیں پریشر کوکر کے اندر تو دم دے دیتی ہیں نا، تو وہ دم لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی ہوا تو نکلتی رہتی ہے، اور جب ہوا کا سارا راستہ بند کر دیں گے تو اس نے تو پھٹنا ہی ہے. تو وہ سارا راستہ بند کر دیا اس نے ہوا کا، اور جناب اوپر پتھر رکھ دیے تو جناب ایک دم سے دھماکہ ہوا اور وہ ہانڈی پھٹی، اور وہ اندر جو کچھ پک رہا تھا وہ سارا منتشر ہو گیا، ایک بوٹی بھی نہیں ملی نا.
कुछ भी नहीं मिला। तो ओ बच्चे ने आवाज लगाई, या उम्मी दम दमल किदर, दम दमल किदर, दम दमल किदर, ए अम्मा हांडी फट गई है, हांडी फट गई है, दम दम हो गया। तो फिर इमाम इस्माइल फरमाते हैं कि मुझे समझ में आया कि दम दमा का मतलब ये है कि ऐसा कर देना कि कोई शय ना बचे, कोई देखने के लिए भी ना बचे। ये है फदम दमा अलैहिम रब्बहुम बिदंबिहिम फसवाहा वला यखाफु उकबाहा। और तेरा परवरदिगार नहीं डरा कि अंजाम क्या होगा। अल्लाह को थोड़े डर थोड़ा ही लगता है कि जनाब ये हलाक करूंगा तो कोई मेरे खिलाफ एहतजाज हो जाएगा और कोई जनाब आवाज बुलंद होगी मेरे खिलाफ। अल्लाह को इसका कोई डर नहीं है। वल्लैली इज़ा यग्शा, इस सूरह मुबारका का मौजू ये है कि सखावत और बुखल है। जो आदमी नेकी करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके नेकी के लिए रास्ते आसान करता है, और जो गुनाह की कोशिश करता है उसके लिए गुनाह के रास्ते मुज़य्यन हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। वल्लैल, और कसम है रात की, इज़ा यग्शा, जब सब को अपने अंदर ले आती है। ये फ़र्क भी बता रही है, कुफर और इस्लाम का फ़र्क बता रही है कि कुफर की मिसाल लैल की सी है। वन नहार, और दिन की कसम, इज़ा तजल्ला, जब वो रोशन हो जाए। अब रोशनी का जमाना आ गया है, अब इस्लाम रोशन होने लगा है, अब कुफर की अंधेरी और रात छटने वाली है। वमा खलक ज़कर वल उनसा, और कसम है जो अल्लाह ने पैदा किया मुज़क्कर वल उनसा, और मुअन्नस को अल्लाह ने पैदा किया। दो जिनसें अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, नर मादा अल्लाह ने पैदा किए हैं। अब यहाँ तुम लोग कहते हो, एक बात आ जाएगी, वो एक तीसरी चीज़ भी होती है, ख्वाजा सरा भी होता है ना, समझे? तो कुरान ने उसका जिक्र नहीं किया। तो उसकी बात ये है कि असल में वो खलक ज़कर वल उनसा, वो है या मर्द है या औरत है, वो हमारी कमज़ोरी होती है कि हम उसकी सिन्फ को, उसकी किस्म को पहचान नहीं पाते। बहरहाल उसकी अलग शनाख्तें हैं, अलग पहचानें हैं। इस वक्त मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको जिक्र करूँ। इन नसायकुम लशत्ता, कस्में खाकर क्या कहा, इन नसायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। यानी क्या मतलब, कुछ सुबह को निकलता है कोशिश करके जन्नत कमाता है, और कुछ सुबह को निकलता है कोशिश करके जहन्नम कमाता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुबह को इंसान निकलता है तो अपने नफ्स को बेचता है। रसुल माल, माल क्या है इसके पास, इसका नफ्स है, और उसको बेचकर या जन्नत खरीदता है या जहन्नम खरीदता है। मेरे अजीज़ों, जो मेरा माल है ना, पैसा, उस पैसे को मैं खर्च करता हूँ, एक रुपया जो मैं लगाता हूँ ना, इस रुपये पर या मुझे जन्नत मिलेगी या मुझे जहन्नम मिलेगी। अगर मैंने नेकी में लगाया तो मैंने जन्नत का हिस्सा खरीदा है, अगर मैंने गुनाह में लगाया तो क्या है, मुझे जहन्नम मिलेगी। इसी तरह से मैंने अपना वक्त, इसी तरह से मैंने अपनी सलाहियत, इसी तरह से मैंने अपनी हर शय जहां लगाई है, वो मैं गोया कि या जन्नत खरीद रहा हूं या जहन्नम। मेरी जिंदगी का एक एक सेकेंड महफूज है, इस एक सेकेंड से मैंने क्या खरीदा है, यह मेरा माल है, रासुल माल है ये, इस रासुल माल से मैं क्या शय खरीद रहा हूं, ये हिसाब और किताब होगा। फअम्मा मन आता वत्तका, बहरहाल जो आदमी आता, अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए देने वाला, आता जिसने माल दिया, वत्तका और बचता रहा, गुनाहों से बचता रहा, और माल दिया और गुनाहों से बचता रहा, और वसद्दका बिलहुस्ना, और उसने जनाब तस्दीक की है बिलहुस्ना, अच्छी बातों की। मुराद इससे जन्नत भी है, मुराद इससे तमाम का तमाम इस्लाम भी है। फसन यस्सिरहु लिलयुसरा, हम उसको तौफीक देंगे, हम उसको आसान कर देंगे, हम उसको आसानी पैदा कर देंगे। युसरा, युसरा के लिए आसानी पैदा कर देंगे। युसरा से मुराद जन्नत भी है, और युसरा से मुराद शरीयत भी है कि जो आदमी नेकी करेगा हम उसके लिए नेकी के रास्तों को क्या करेंगे, आसान कर देंगे। वअम्मा मन बखिला, और जो बुखल करेगा, बुखल कहा जाता है जहां खर्च करना आपके जिम्मे लाजिम है, जो हुकूक में से है ना, वहां आप खर्च नहीं कर रहे तो उसको क्या कहते हैं, बुखल। वअम्मा मन बखिला, और जो बुखल करता है, वस्तग़ना, और बेखौफ हुआ कि जनाब मुझसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, और उसने झुठलाया, नेकी को झुठलाया, शरीयत को झुठलाया। फसन यस्सिरहु लिलउसरा, तो उसके लिए हम गुनाह के रास्ते हमवार कर देंगे।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह तुम्हें पकड़ के नेकी की तरफ लाएगा, ऐसा नहीं है। जो जो रास्ता इख्तियार करता है उसके लिए वो रास्ते खुले हैं। वमा युग्नी अनहु मालहु इदा तरद्दा, वमा युग्नी और नहीं फायदा देगा अनहु इसको मालहु इसका माल इदा तरद्दा जब ये जहन्नम में गिरेगा। इन अलैना लल हुदा, हमारे जिम्मे तो बता देना है भाई, हमारे जिम्मे क्या है, हिदायत देना है, बता देना है, पकड़ के जन्नत की तरफ लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर तुम जन्नत में जा रहे हो तो जन्नत से पीछे खींचना ये भी कोई हमारा काम नहीं है। وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, हाँ अलबत्त दुनिया और आखिरत दोनों के दोनों ये हमारे इख्तियार में है। وَإِنَّ لَنَا, हमारे लिए है, لَلْآخِرَةَ जो आखिरत दारुल जज़ा है वो भी हमारे इख्तियार में है, وَالْأُولَى और दुनिया भी हमारे इख्तियार में है। فَأَنذَرْتُكُمْ, बड़ी खौफनाक आयत आई है, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, मैं तुम्हें डराता हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें डराता हूँ, जैसे एक बाप शफीक मेहरबान अपनी औलाद को हुक्म देता है, बेटा मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ, अपनी तरफ निस्बत करके कहता है मैं तुम्हें ये कह रहा हूं। فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, मैं तुम्हें डराता हूं उस आग से जो शोले मार रही हो, ला यस्लाहा इल्ला अल-अशका, नहीं दाखिल होगा उसमें इल्ला, मगर कौन, बदबخت दाखिल होगा, कौन बदबخت, अल्लज़ी कज़्ज़बा, जिसने झुठलाया दीन को, वतवल्ला और नबी की इताअत से मुंह मोड़ा। तवल्ला का माना क्या होता है, मुंह मोड़ना है, सुन्नत की बात करो, अरे छोड़ बोल साहब छोड़ो ये पुरानी बातें करता है। वसयुजन्नबुहल अतका, और सुनो इस जहन्नम से बचा लिया जाएगा कौन, अल अतका, वो शख्स जो शिर्क और कुफर से बचने वाला है, नाफरमानी से बचने वाला है। हाँ अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपने माल को खर्च करता है, क्यों खर्च करता है, पाकी हासिल करने के लिए। वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और उसके जिम्मे, वमाल अहदिन, और उसके जिम्मे नहीं है किसी का कोई एहसान, नेमत से मुराद क्या है, एहसान, कि ये जो लोगों पर माल खर्च करता है इसलिए नहीं खर्च करता कि लोगों का इसके ऊपर एहसान है और आज बदला चुकाने के लिए खर्च किया, ये क्यों खर्च करता है, इल्ला बतिगा वजह रब्बिल आला, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की रजा चाहने के लिए जो बुलंदो बाला है। ऐसे लोग भी माल खर्च करते हैं, चुपके से जाके रात को किसी के घर में डाल के आ जाते हैं, ऐसे लोग भी माल खर्च करते हैं, रास्ते में देखा जी कोई मुसाफिर सो रहा है और मुसाफिर के तकिए के नीचे जनाब कोई पैसे रख के आगे, ऐसे भी लोग खर्च करते हैं, इस तरह के लोग भी खर्च करते हैं, और ये क्यों खर्च करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें ये सिफत अता फरमाई थी, उन्होंने ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर ग़ुलामों को अपने माल से आज़ाद किया, तो ये गोया के जो आज़ादी उन्होंने उन लोगों को दिलवाई है ये कोई एहसान उनका नहीं चुकाया, बल्कि क्यों आज़ादी दिलवाई है, अल्लाह की रजा के लिए। ऐसा ना हो कि बिलाल को आज़ाद तो कर दिया लेकिन सारी ज़िंदगी बिलाल को ग़ुलाम बना के अपना रखा, देखना मैंने तुझे आज़ाद किया है, देखना मैंने तुझे खिलाया है, देखना मैंने तुझे इतना इतना राशन भी दिया है, देखना मैंने तुझे ये किया है, अल्लाह 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 क़ुरबान जाऊँ। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल आते कहते जा सैयदुना, वो हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। ये सरदार क्यों कहते थे, ताकि वो एहसास कमतरी में मुबतला ना हो कि ये गुलाम थे। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते थे, जा सैयदुना व अअतकहु सैयदुना, हे हमारे हमारे सरदार आ गए और हमारे सरदार ने इनको आजाद किया था। यूं मोहब्बतें थी भाई, यूं मोहब्बतें थी, हमारे सरदार बिलाल आ गए और बिलाल को आज़ाद कर किया था किसने, हमारे सरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ये मोहब्बतें हमें अता फरमाए, अल्लाह ये मोहब्बतें हमें अता फरमाए, अल्लाह की कसम इन मोहब्बतों में दीन है, इन मोहब्बतों में दीन है, इन मोहब्बतों से निकलोगे तो कोई दीन नहीं है, इन मोहब्बतों से निकलोगे तो शैतान के हथियार बन जाओगे, आलायकार बन जाओगे, शैतानों के आलायकार बन जाओगे। कुरान साफ साफ कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, ओहो
एक एहसान अल्लाह ने याद दिलाया, वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह के एहसान को याद करो, इज कुंतुम अअदाअन, जब तुम दुश्मन थे आपस में, जानी दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम अल्लाह की मेहरबानी से आपस में क्या बन गए, भाई भाई बन गए, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, और अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत होती तो तुम जहन्नम के किनारे पर थे, फअनकज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हें वहां से निजात दी है। मेरे अजीजों, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह हमारे घर में मोहब्बतें पैदा फरमा, हमारे महल्ले में मोहब्बतें पैदा फरमा, हमारे अज़ीज़ अक़रबा रिश्तेदारों में अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा। अल्लाह की कसम, इस मोहब्बत के बगैर मैं दीन पर नहीं चल सकता भाई, इसलिए कि अगर मैं दीन पर चलना भी चाहूंगा तो हर वक्त उनकी नफरतें मेरे सामने आएंगी, तो मैं गीबत में मुबतला हूं, मैं चुगलखोरी में मुबतला हो जाऊंगा, तो मैं चुगलखोरी और गीबत में मुबतला होकर क्या करूंगा, अपने आमाल तबाह करूंगा। मैं नमाज में खड़ा होऊंगा तो मेरे वो सामने आ गया, वो भी मस्जिद में दाखिल हुआ, मैं भी दाखिल हुआ, तो मेरा दिल अंदर से नफरत में भरा हुआ है, तो अब मैं नमाज पढ़ूंगा या उसको सोचूंगा। इसलिए दीन पर रहने के लिए दिल साफ होना जरूरी है, मोहब्बत का होना जरूरी है। घर के अंदर माएं बहनें सुन ले मेरी बात, सास बहू के दरमियान में मोहब्बत नहीं होगी तो घर में दीनदारी नहीं आएगी। कुरान करीम की तफसीर मुकम्मल कर ली है, इख्तिताम को जा रही है, लेकिन अगर ये घर के अंदर जिंदगी मोहब्बत में न तब्दील हुई तो घर में दीनदारी कायम नहीं होगी। इसलिए सुनिएगा, अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है, जिन्होंने माल अपना खर्च किया, या तज़क्का, पाकी हासिल करने के लिए, दिल पाक करने के लिए, दिल पाक करने के लिए। अरे उनके दिल तो रोशन थे, आईने की तरह साफ सुथरे थे, लेकिन फिर भी हमाल अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और ऐसा नहीं है कि ना किसी का एहसान उन पर हो के जिसका बदला दिया जाए, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, वला सौफ यरदा, और अनकरीब रब उनसे राजी हो ही जाएगा। हाय हाय हाय, रब उनसे राजी, और रब उनसे राजी हो ही जाएगा। अब अगली सूरत देखिएगा, ये प्यारे अबू बकर सिद्दीक हैं, और अगली सूरत देखिएगा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मनाकिब, आगे सूरह जुहा और सूरह अलम नशरह लह सदरक में आ रहे हैं। देखिएगा सूरह जुहा में गोया कि इसमें तीन इनामात हैं, और उसके बाद तीन इनामात के बाद तीन अहकामात आप अलैहिस्सलाम को दिए हैं अल्लाह पाक ने, और ये भी बड़ी अजीब सूरत है। ये दोनों सूरतें ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रही हैं, और कहने वालों ने कहा आप अलैहिस्सलाम पर वही का तसलसल एक वक्त रुक गया, कुछ दिन तक वही नहीं आई, 18 दिन तक वही का सिलसिला नहीं आया, और वो भी ऐसा हो गया था कि पूछा गया सवाल कि असहाब कहफ कौन थे, पूछा गया सवाल कि रूह क्या चीज़ है, पूछा गया सवाल कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे, आपने फरमाया कल जवाब दूंगा, लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहना रह गया, लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहना रह गया। हाय हाय हाय, बुलंद मकाम जब आता है, उस बुलंद मकाम के अंदर छोटी छोटी बातें भी, वो भी नोट होती हैं, वो भी नोट होती हैं। क्यों इंशाअल्लाह रह गया प्यारे, आपसे इंशाअल्लाह क्यों रह गया, क्यों रह गया? तो वही का सिलसिला रुक गया, परेशान हो गई। अबू लहब की बीबी उम्मे जमील कहने लगी इसको इसके शैतान ने छोड़ दिया, माज़ल्ला, ऐसे जहरीले तीर आए और आपका दिल दुखा, आपका दिल दुखा, आपका दिल दुखा। उस पर फिर ये आयत नाजिल हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या कलिमात आए, वज़्ज़ुहा, चढ़ते सूरज की कसम, वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम, चढ़ते सूरज की कसम, वल्लैल, रात की कसम, इज़ा सजा, जब वो छा जाए। ये दो कसमें खा के अल्लाह तू क्या कह रहा, मावद्दाका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, मावद्दाका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, रब्बू का, तेरे रब ने, वमा कला, और ना तुझसे नाराज़ हुआ, ना तो छोड़ा और ना तो नाराज़ हुआ। ए हबीब आप परेशान न हो, ना तो छोड़ा ना तो नाराज़ हुआ, वलल आखिरा, और तसल्ली, अच्छा बस इतना काफ़ी था कि तेरा रब तुझसे नाराज़ नहीं है, तेरा रब जनाब तुझे उसने छोड़ा नहीं है, दुनिया जो बोलती रहे
जी आज मुझे रब ने बता दिया है कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं और जनाब मैंने तुझे छोड़ा भी नहीं है। लेकिन आगे देखो अपने प्यारे नबी को क्या कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ऐ प्यारे हर आने वाली जिंदगी गुज़िश्ता से तेरे लिए बेहतर होगी। एक तो आखिरत से मुराद आखिरत है मरने के बाद की जिंदगी, और दुनिया से मुराद उला से मुराद दुनिया है ये भी है, लेकिन ये भी इशारा है कि हर आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन से आपके लिए बेहतर होगा। अभी आप मुशक्क़तों में ताने बर्दाश्त कर रहे हैं और एक ज़माना आएगा ये सब बातें छट जाएंगी और आपका पैगाम पूरे जज़ीरा अरब में गालिब होगा। वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, और तेरा रब तुझे इतना अता करेगा फतरदा तू राजी हो जाएगा। उधर ऊपर क्या था, वला सौफ यरदा। अबू बकर सिद्दीक ने ये सब कुछ किया है किस लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो अल्लाह उसका रब उससे क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। और यहां पर कहा वला सौफ युअतीक रब्बुका, तेरा रब तुझे ए नबी इतना देगा फतरजा तू भी राजी हो जाएगा, तू भी खुश हो जाएगा। अब इब्तदाई हालात कुछ बताए, अलम यजिद का यतीमन फआवा, इनामात के तुझे याद है, तुझे यतीम नहीं पाया, अलम यजिद का यतीमन, तुझे उस अल्लाह ने यतीम नहीं पाया, फआवा तो तुझे ठकाना दिया, तेरी परवरिश की। जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद दुनिया से रुखसत हो गए थे और आप अलैहिस्सलाम की परवरिश आपके दादा ने की और दादा के बाद आप अपने चचा की किफालत में आए हैं, तो ये एहसान अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर किया, कोई नहीं था, अल्लाह पाक ने तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा, अब तो तू नबुव्वत में मुंतखब हो गया है, अब तुझे अल्लाह कैसे छोड़ेगा। नंबर दो, ववजदका दाल्लन फहदा, और आप शरीयत से गाफिल थे, माने ये कि शरीयत आपके पास न थी, फहदा अल्लाह ने आपको शरीयत अता की, अल्लाह ने आपको कुरान दिया। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, आप किताब और ईमान को नहीं जानते थे, और ये बात मैं बारहा पहले कह चुका हूँ कि मक्का का माहौल ऐसा था जो कि क्या उम्मी लोगों का माहौल था, ना तो आपने कोई बाहर ऐसे असफार किए हों कि कहीं बाहर किसी दूसरे मुल्क से यूनान से डिग्री हासिल करके आ गए हों, और जनाब उस जमाने में हिंदुस्तान एक तारीखी एक मुल्क समझा जाता था और सकाफत आला सकाफत थी, और रोम और फारस और चीन कहीं वहां से डिग्री लेके आए हों, आपका कोई ऐसा सफर नहीं हुआ, या बाहर से कोई ऐसे लोग यहां पर मक्का के अंदर जनाब क्या है कोई आला तजारत हो तो लोग यहाँ पर आए और आपने उनसे कोई सीखा हो, नहीं ऐसा नहीं था, तो अल्लाह पाक ने आपको शरीयत दी है। वजदा का आइलन, तीसरा इनाम ये है, अल्लाह ने आपको आइल फ़कीर पाया, फ़अग़ना गनी कर दिया, खदीजा के माल से अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। अरे बात समझे भाई, खदीजा के माल से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल से अल्लाह पाक ने आपको गनी कर दिया, समझे भाई। अगर अल्लाह पाक ने इस दौर में किसी औरत को अगर माल दिया है और वो अपने बाप की जानिब से कोई मीरास लेके आई है और बड़ा भारी भरकम माल लेके आई है, मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी ये है कि वो माल शोहर के लिए निछावर कर दे। खदीजा ने सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया, फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत तरक्कियाँ इस माल से दी। वो कभी औरत ताना ना दे, तेरे पास था किया, तेरे पास किया था, माल तो सारा मेरा है, ये भी मेरे बाप ने दिया है, ये भी मेरे बाप ने दिया है, ये भी मेरे बाप ने दिया है। कभी खदीजा ने ये नहीं कहा ये भी मेरे बाप ने दिया है, ये तो मेरा था, गुलाम था हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, वो भी जनाब सुपुर्द कर दिया, लें यही आपकी खिदमत करेगा, ये आपकी खिदमत करेगा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस तरह से एक औरत अपना सब कुछ अपने शौहर के लिए लुटा दिया करती है, और शौहर भी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला किरदार अदा करे ना, वो भी बेईमानी ना करे, नहीं समझे। जब तक खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, आप अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरी शादी भी नहीं की है, इसको कहते हैं फिर वफादारी, इसको फिर कहते हैं वफादारी, इसको फिर कहते हैं वफादारी। अल्लाह अकबर, खदीजा के साथ आपकी जिंदगी के 53 साल गुजर गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 25 साल में शादी हुई और 53 साल तक, फिर 10 साल में आखिरी जो मदनी दौर है उसमें आपकी बाकी शादियां हुई हैं, वो भी शरीयत के अहकाम
सिखाने के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, और इसकी तफसीर पीछे सूरह अहज़ाब में हम कर चुके हैं। बहरहाल क्या ही तरफ़ैन से मोहब्बतें थीं, और क्या ही तरफ़ैन से वफ़ादारियाँ थीं, और क्या ही तरफ़ैन से एक दूसरे की लाज थी और एक दूसरे की रियायत थी कि मत पूछो। ये है वजदका आइलन फ़ागना। तो इसलिए भाई घरेलू ज़िंदगी के अंदर ये ज़रूरी है मियाँ बीवी के दरमियान में एतमाद हो, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बतें हों, और मियाँ बीवी एक दूसरे की जानिब से 100% मुतमइन हो, और बीवी कोई ऐसी बात न करे जिससे बद एतमादी की फिजा पैदा हो, शोहर कोई ऐसी बात न करे जिससे बद एतमादी की फिजा पैदा हो। ऐसा आज सुनने में आता है, अरे देखने में आता है, शोहर सारी रात जनाब मुंह उधर करके वो फोन पर लगा हुआ है। अल्लाह की बंदी तो बदगुमान होगी ना, और ठीक है उसका बदगुमान होना भाई, ये अगर अलग फोन में लगी हुई है और वो इसको नहीं दिखाना चाह रही है, गो के तू मां से बात कर रही है, गो के तू बहन और बाप से बात कर रही है, लेकिन क्यों बदगुमानी का माहौल घर में पैदा कर रही है? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? तो इसलिए भाई घर की जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, घर की जिंदगी को मुबारक बनाओ। एक आदमी एक दिन मुझे मिला, अरे पतला सूख गया। क्या हुआ भाई तुझे, क्या हो? बोल साहब बस मत पूछो। क्या हुआ? और यही किस्सा उसने सुनाया कि घर के अंदर आफत आ गई है, घर के अंदर मुसीबत आ गई है, मैं सारा दिन मजदूरी पे जाता हूं, मैं घर में मजदूरी करूं या घर में रखवाली करूं? मोबाइल में देखा तो क्या क्या नंबर और क्या क्या गलत तस्वीरें और किस किस की गलत तस्वीरें। अब मेरा तो यूं समझे कि दिमाग पागल ही हो गया। किसको ये गम सुनाऊं? आपको आके सुना रहा हूं, एक मौली साहब के सामने गम सुना रहा है अपना, ना किसी रिश्तेदार को बयान करने के काबिल, ना किसी भाई के सामने, ना किसी बहन के सामने। उस बेचारे ने तो कुड़ना ही है ना। इसलिए अपने घरों को पाक करो, अपनी बच्चियों की जिंदगी को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाकीजा रखो। कोई पासवर्ड नहीं तुम्हारा शोहर के सामने लगा हुआ। ये देखो 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 मेरी प्राइवेट चीजें, क्या है तुम्हारी प्राइवेट चीजें शोहर के बगैर? कौन सी प्राइवेट तेरी जिंदगी है शोर के बगैर? तो ये दोनों जिंदगियों में जब बदएतमादी पैदा होगी तो ये बदएतमादी आगे नस्लों में जाएगी भाई। ये है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला सल्लम की जिंदगी। एतमाद देखिए, फअम्मल यतीम फला तकहर। ए प्यारे, तीन एहसानात आप पर हमने किए, तू यतीम था ठिकाना मिला, और बेराह था अल्लाह ने राह अता फरमाई शरीयत दी, और इसी तरह से तू फकीर था अल्लाह ने गनी किया। लिहाजा इसके नतीजे में अम्मल यतीम, जब कोई यतीम तेरे पास आ जाए, फला तकहर उसको, उसको फला तकहर उसको मत झिड़कना है, यतीम को मत कहर करना, मत उसको गुस्सा करना। वह अब मसाइला, और जब कोई साइल आपके पास आए, इसका ताल्लुक हो जाता है जालन से है, ये पहले का ताल्लुक यतीम से है, अलमगीर का यतीमन। और जब कोई साइल आए, दीन का साइल आए, दीन की बात पूछने के लिए आए, दोनों हैं, दीन का साइल आए, माल का साइल आए, फला तनहर उसको झड़को नहीं, नहीं देना है ना दो, झड़को नहीं, गुस्सा ना करो, बदतमीजी ना करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तेरे रब की जो नियमतें हैं ना, हाँ कि क्या कि अल्लाह ने तुझे गनी किया है ना, तो अब अल्लाह की नियमतों को बयान कर, अल्लाह की नियमतों को क्या कर, बयान कर। और याद रखिएगा एक बात, बड़ी अहम कहने लगा हूँ, बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ, करोड़ों की बात है, इसे याद रखिएगा, पते में रखिएगा, दिलो दिमाग पर नक्श करके रखिएगा, नियमत का बयान करना। आपको अल्लाह ने नियमत दी है, बयान करो, लेकिन लेकिन तहदीस बिन नेमा के तौर पर बयान करना जायज है। इसको कहते हैं, ये इसी आयत से इस्तेदलाल है, तहदीस बिन नेमा। मुझे एक अल्लाह ने नियामत दी है और मैं आपको बता रहा हूं ये नियामत मुझे मिली है, इसका इजहार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ताकि इसको पता चले कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया। बस इसमें जर्रा बराबर अपने कमाल का दखल ना हो, आपकी नीयत में जर्रा बराबर कमाल का दखल ना हो तो जायज है। ये नियामत का बयान करना क्या है बोलो? जायज है, लेकिन उस वक्त जायज है कि जब सामने वाला हासिद ना हो, सामने वाला हासिद। ये दो बारीकियां याद रखिएगा, वरना आप नियामत बयान करोगे तो अपनी नियामत को खोलोगे, खो दोगे अपनी नियामत को, तबाह कर दोगे।
अगर आपने अपनी नियामत बयान की, मुझे गाड़ी मिली, मुझे शोर को जनाब इतनी इतनी नौकरी मिली, ये मिला वो मिला, मेरा बेटा ऐसा हो गया, और मकसूद अपनी बड़ाई जितलाना है, तो समझो कि अपनी नियामत को तबाह करने का बीज आपने डाल दिया, तबाह करने का बीज आपने डाल दिया। और नंबर दो मकसूद ये है कि जनाब ये सामने वाला जले ताकि जले, जलते हुए को और जलाओ, जले ताकि शाबाश। तो ये आपने उसका नुकसान मेरे अजीज नहीं किया, आपने अपनों का अपना जाती नुकसान कर दिया। तो बहुत सारी औरतें अपने शोहरों की नौकरियों को ले डूबती हैं इस तरह से, नहीं समझी? हाँ आज शादी है ना, फिर ऐसे वैसे कपड़े पहन के जा रही है, वाह जी वाह क्या सूट पहना है। मैं कहा करता हूं इज्जत माब इफ्फत माब औरतें जो सूट पहना करती हैं वो सूट मर्दों को दिखाने के लिए नहीं पहनती, वो औरतों को दिखाने के लिए पहनती हैं। भाई पता तो चले ना कि जनाब मेरे पास इतने पैसे, पता तो चले ना इतने में, ये गलत करती हो, गलत करती हो। ये तुमने अपने शोहर की नौकरी पर जनाब आप यूं समझे कि आरे चला दिए, कलहाड़े चला दिया आपने, तबाह कर दिया आपने अपने शोहर की नौकरी। नजरे बद वहां से उठेगी और नजरे बद खा जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कि नजरे बद वो बदतरीन चीज है कि जो काफिर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरे बद लगाने के लिए और कहा ए नबी अगर अल्लाह ने तेरा तहफ्फुज न किया हुआ होता लयुज़लिकूना कभी अबसारहिम, ये अपनी आंखों की नजरों से तुझे तबाह कर देते। वो एक ऐसा बदबख्त लेके आए जो खड़े ऊंट को कहता था कि ये क्या शानदार ऊंट है, खड़ा खड़ा ऊंट फट जाता था। भाई ऐसी जालिम चीज है ये नजर, ऐसी जालिम चीज है नजर। फिर तुम क्या करोगे जब नजर लग गई तो? तो जब एक 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 यूं समझो कि जनाब क्या है, वायरस तुम्हारे अंदर आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब मौत तो है ही है भाई, अब उसके असरात तो आएंगे। अब मौलवी साहब भाई को वजीफा बताओ, अब ठीक है तो पहले तहफ्फुज क्यों नहीं किया आपने? तो मैं अर्ज कर रहा हूं नियामत को बयान करते वक्त अगर ये दो, अगर ये नियत है कि मेरे अल्लाह ने मुझे नियामत अता फरमाई है, अपनी जात को एक जरा दखल नहीं है। सुलेमान कह रहे हैं हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये इसलिए अल्लाह ने दिया है ताकि वो मुझे आजमाइश में डालना चाहता है कि मैं ना शुक्रा बनूंगा शुक्र गुजार बनूंगा। इस तरह से अगर कोई बयान करे और सामने वाला हासिद भी ना हो तो नियामत का बयान करना क्या है? जायज है। लेकिन अगर ये बात है कि ताकि जनाब मेरी बड़ाई पता चले, मेरी मेहनत पता चले, और या ये नियत है कि सामने वाले को जलन हो, तो बस समझ लो कि नियामत आपकी तबाह हो गई। अल्लाहु अकबर। अलम नशरह लका सदरक, इसमें भी तसल्ली है आप अलैहिस्सलाम के लिए। कहने लगे जालिम, कहने लगे ये क्या हुआ जनाब नबी पर, जनाब कुरान, ये कहता है कुरान नाजिल हुआ, बड़ी मुशक्क़त में पड़ गया है भाई, ये जब से कुरान नाजिल हुआ है लंबे लंबे क़याम करता है और ये करता है वो करता है। अलम नशरह लका सदरक, ए नबी जी, ए प्यारे, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया है? आप उम्मीद थे ना, आप उम्मीद थे, ये बात तो आप जानते हो ना। एक आदमी 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में है और बचपन से लेकर आज तक उसने कोई लिखा नहीं, कोई पढ़ा नहीं, कोई सीखा नहीं। और एक आदमी दूसरा जो 40 साल की उम्र में है, उसने बचपन से लेकर अब तक आला तालीम हासिल की। इसका जहनी मुस्तवा जिसने तालीम हासिल की अलग है और इसका जहनी समझ गया बोलो अलग है कि नहीं है? दोनों की सोचों में फर्क होता है कि नहीं? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ भी बचपन में नहीं सीखा, नहीं हासिल किया, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ने जहनी सोच और जहनी मुस्तवा इतना बुलंद कर दिया कि सारी कायनात में इतनी बुलंद सोच किसी के पास नहीं थी, समझे भाई? ऐसा बुलंद कर दिया। तो वो नियामत, वो एहसान बतलाया, अलम नशरह लका सदरक, तेरे सीने को हमने तो खोला है ना, नहीं समझे? इसलिए कि पढ़े लिखे आदमी का सीना खुला हुआ होता है ना पहले से, इल्म अख्ज करने की, लेने की सलाहियत, पिक करने की सलाहियत उसमें क्या है, होती है। इसलिए कि अरसे से चला आ रहा है, आप अली इस्लाम ने तो कुछ नहीं सीखा। कहा नबी आपने देखा नहीं, आपने आपके सीने को कुशादा कर लिया है इल्म के लिए, हिल्म के लिए।
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور تیرے سے ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا, وحی کا بوجھ ہٹا دیا. اِنَّمَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, سورہ مزمل میں آ چکا ہے کہ ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں, یعنی وحی, اس وحی کا تحمل اور برداشت کرنے کی صلاحیت ہم نے آپ پر پیدا کر دی ہے. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, دوسرا انعام یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جہاں اللہ کا ذکر, اللہ کے نبی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, اذان میں اللہ کا ذکر محمد رسول اللہ کا ذکر, اقامت میں اللہ کا ذکر محمد رسول اللہ کا ذکر, نماز میں اللہ کا ذکر محمد رسول اللہ کا ذکر, اور ہر جگہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا قبول نہیں ہوگی جب تک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ نہیں بھیجیں گے, شروع آخر میں درود نہیں پڑھیں گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اتنا بلند ذکر کیا. آؤ ایک اور نعمت, وہ تو نعمت روحانی تھی, اب نعمت جسمانی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مع العسر مشقت کے ساتھ یسرن آسانی ہے, بے شک مشقت کے ساتھ آسانی ہے, مشقت کے ساتھ آسانی ہے. بے یہ بتایا کہ اس دنیا میں جس شخص پر مشقت آتی ہے, اس مشقت کے بعد اللہ پاک آسانیاں بھی لاتا ہے. اور یہ بھی طے ہے, دو مرتبہ العسر آیا, دو مرتبہ یسر آیا. یہ ایک بلاغت کا قانون ہے کہ العسر الف لام کے ساتھ ہے دونوں جگہ پر, اور یسر بغیر الف لام کے ہے. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک مشقت کے ساتھ دو آسانیاں اللہ دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ ایک مشقت کے ساتھ دو آسانیاں. اللہ اکبر. اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ, اللہ اکبر. فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. شاعر کہتا ہے کہ جب تجھے ایک مصیبت آئے, فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ, أَلَمْ نَشْرَحْ کو تو غور سے پڑھ, أَلَمْ نَشْرَحْ کو تو غور سے پڑھ. کیوں؟ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يَسْرَيْنِ, اس لیے کہ وہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک مشقت کے بعد تجھے دو آسانیاں ملیں گی, اور جب یہ تو پڑھے گا تو فَفْرَحْ, تو خوش ہو جائے گا. پھر میں بتایا کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جناب گھبراہٹ ہوتی ہے اور دل میں سکون نہیں ہے اور اس طرح کی پریشانیاں ہیں, تو الم نشرح لکا صدرک بہت مؤثر ہے. اس کو ہر نماز کے بعد سات بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سیدھے ہاتھ پر اپنے دل پر پھیر لیا کرو, سینے پر پھیر لیا کرو, سر پر پھیر لیا کرو, یہ ٹینشنیں انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی. بہت پیارا عمل ہے بھائی, بہت پیارا عمل ہے. اب آگے سنیے گا. لیکن میرے عزیز یہ ساری ہم باتیں آدھی آدھی کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جو پوری بات بتائی ہے نا, پوری تو سنی نہیں ہے, یا پوری سنی تو ہے لیکن مشقت والی تھی تو بیچ میں کچھ آدھا اپنا بھی کام کر دیا نا, تو یہ بھی بڑی غلطی کر لیتے ہیں. نہیں سمجھے, وہ قصہ میں سنایا کرتا ہوں جناب. ایک آدمی کو جناب کیا ہو گیا, ایک آدمی کو جناب یہ ہے لومڑی نے کاٹ لیا. اب وہ جناب گیا ہے کہ جناب کسی مولوی صاحب کے بات پر دم ڈالو. بھائی کئے کا دم ڈالنا ہے؟ شیر نے مجھے کاٹا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں, شیر کے ساتھ لڑا ہوں, شیر نے مجھے کاٹا ہے. ٹھیک ہے جی, مولوی صاحب نے دم پڑنا شروع کیا, ابے تھوڑا سا بیچ میں لومڑی والا بھی ڈال دو تھوڑا سا بیچ میں لومڑی والا بھی ڈال دو. تو یہ بات ہے, ہم بھی بیچ میں اپنا بھی کچھ نہ کچھ ملا دیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کرو, عمل جیسے بتایا جائے ایسا کیا کر. اب اگلی بات سنو نا کہ جب اس اللہ نے اس مشقت کو دور کر دیا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہو جائیں سارے کاموں سے, فَانْصَبْ, سیدھے کھڑے ہو جائیں. نصب, نون صاد با, نصب کرنا کسی چیز کو, یہ ستون میں نے نصب کیا, یہ لکڑی میں نے گھاڑ دی ہے, اب یہ ہے نصب. اس طرح سے اللہ کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جائے. فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف دل لگا, راغب ہو جا. مطلب ہے کہ دن کے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو تھوڑا سا اپنے رب کو وقت دیا کرو. یہ رب تنہائی میں آپ سے وقت چاہتا ہے. آپ نے احسان کیا بھائی میرے پیارے, آپ نے احسان کیا کسی پر, آپ نے بہت کچھ کسی کو نوازا, تو آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ تنہائی میں آ کے آپ سے ملے اور شکریہ ادا کرے, اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ روز مجمع میں ہی مل کے سلام کرتا ہے. آپ چاہتے ہی ہیں نا کہ کبھی تنہائی میں بھی تو آ کے مجھ سے مل لیا کر بھائی, سلام ہی کر لیا کر بھائی. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نے تیری مشقتیں دور کی ہیں, میں نے تیرا سینہ کشادہ کیا ہے, میں نے تجھے یہ دیا ہے, کبھی رات کو بھی تو میرے پاس آ جایا کر. ہائے ہائے,
सारे करेंगे रात को। हाँ वैदा फरग तफन सब, जब सब कामों से माएं बहनें मेरी फारिग हो जाएं, रात के किचन के मामलात से फारिग हो जाएं, हैं अब जनाब सारे मैसेजेस आज देखने क्या क्या हुआ है, क्या क्या आया है। ओ मेरी माओ बहनों, अल्लाह के वास्ते भाई इससे दूर रहो, दूर रहो, अब अपने रब के पास आ जाओ, थोड़ा सा दो नफिल पढ़ लो। चलो मैं नहीं कहूँगा अब 18 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, दो नफिल पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, कुछ और जिक्र कर लो, और आखिरी अमल आपका ये जिक्र हो, उसके बाद अपने बिस्तर पर आओ, बैठकर वहां आमाल आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह फलक पढ़ो, सूरह नास पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, हाथों पर दम करके फिर लेट जाओ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहु अकबर, और दुआएं, वो दुआएं जो लेटते वक्त की दुआएं हैं वो पढ़ो, ताकि तुम्हारा आखिरी कलाम अल्लाह का जिक्र हो। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ जन्नत में जाएगा। क्या पता ये सोना आखिरी सोना हो, सुबह उठ सकेंगे या ना उठ सके। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह तीन है, इसमें इंसान का जमाल, इंसान का कमाल और इंसान की खूबियों को जिक्र किया गया कस्मों के साथ, और भी ये बड़ी अजीब सूरत है। व तीन व जैतून, तीन की कसम, हाय हाय हाय, तीन, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, ये दो दरख्त ऐसे हैं, तीन और जैतून, इंजीर और जैतून, जो पत्ते से लेकर जड़ तक नाफे ही नाफे हैं, इसका कोई जुज जरर रसान नहीं है, इसकी गुठली, गुठलियों के अंदर के गूदे, इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसके तने, इसका हर शय इसकी मुफीद है। इसलिए इन दोनों दरख्तों की कसम खाई, किसकी? जैतून की। हाय हाय, आप अलैहिस्सलाम ने ख़ास ताकीद की है जैतून के तेल के मुतालिक, इसे खाया भी करो, इसे लगाया भी करो, इसमें शिफा है, इसको खाया भी करो, इसे लगाया भी करो। तो भाई ये अपने सालन में भी डाल लिया करो, इसको डाला करो, आज नए नए तेल जो आ रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और ये इस्तेमाल किया करो भाई, ये खालिस चीज़ों पर आओ। और तीसरी कसम है वह तूर सीनीन, और तूर सीनीन की कसम, ये तूर सैना भी कहते हैं इसको, सीना सीनीन, ये सारे अल्फाज हैं। वो तूर है जो अर्द मिस्र में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी, वहाँ ज़ल बलद अल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम, ये अमन वाला शहर इसलिए है कि ये सबको अमन देता है, मन दखलहू काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया उसको अमन मिल जाएगा। अल्लाह तू कसमें खाकर क्या कहना चाह रहा है, लकद खलकनल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया है, फी अहसन तकवीम, सबसे ज्यादा खूबसूरत सांचे में, तकवीम सांचे को कहा जाता है, हैं अंदाज को कहा जाता है। मैं अर्ज करता हूं, अब ये समझिएगा जरा, कस्में खाई हैं तीन और जैतून और तूर सेना और आदल बलद लवीन, कितनी कस्में खाई हैं? चार। चार कस्में खाई हैं, मुराद इससे तीन जगह हैं, मुराद इससे क्या है? तीन जगह। तीन और जैतून, ये दो चीज़ें जो हैं ये अर्ज़ मुकद्दसा फ़लस्तीन में हैं, और वहाँ फ़लस्तीन का जो अर्ज़ मुकद्दसा है, वहाँ गिर्दो नवाह में तमाम के तमाम अक्सर व बेशतर अम्बिया की बेअसत उस खित्ते में हुई, और अक्सर व बेअसत अम्बिया जो है वहाँ मदफून भी हैं। तो गोया कि ये अर्ज़ वो है जो महबते वही है, जहाँ वही नाजिल हुई। तो एक जगह वो हो गई तीन और जैतून, अर्ज मुकद्दसा शाम फलस्तीन के, जहां पर क्या हुआ? अंबिया आए और वही का तसलसल वहां पर उतरता रहा। ये अर्ज मुकद्दसा, ये अर्ज फलस्तीन, ये मुसलमानों की मीरास है, ये मुसलमानों की मीरास है। आप किसी गलत फहमी में मुबतला ना हो, साफ साफ कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इस मजमून को जिक्र फरमाया। अब मैं उस मजमून पर नहीं जाता, वक्त नहीं है, मेरे गुज़िश्ता जुमों के बयानात इस पर कई बयानात मौजूद हैं और मुदल्लल दलाइल के साथ मौजूद हैं कि अर्ज मुकद्दसा वो मुसलमानों का सरमाया है और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का सरमाया है, इसलिए कि अल्लाह ने तय कर दिया कि ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, अल्लाह ने इस पर इन पर जिल्लत और रुस्वाई यहूद पर मार दी, अब ये दुनिया में किसी भी जगह पर हुक्मरानी के अहल नहीं हैं। जब अल्लाह ने कह दिया और ये सरमाया है तुम्हारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से उठाया, बैतुल मक़दस ले जाया गया, वहाँ से ऊपर मेराज करवाई ना, बैतुल्लाह से क्यों नहीं मेरा
मेराज करवाई, ये इशारा इस बात की तरफ था कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरमाया बैतुल्लाह भी है, बैतुल मक़दस भी है। और जब मुहम्मद रसूलुल्लाह का सरमाया ये दोनों जगह हैं, तो लिहाजा इन दोनों जगहों का ये सरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का होगा। बात समझ में नहीं आई? तो इसलिए ये अर्ज़ मुकद्दसा तीन और जैतून कहाँ पर है? फ़लस्तीन। तो एक गोया कि ये जगह है जहाँ वही उतरती है। नंबर दो तूर सीना, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी है, ये उस जगह की कसम खाई। और वहादल बलद अमीन, गोया कि अर्ज़ मिस्र के अंदर जो है वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी आए, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहाँ गए। मज़े की बात बताऊँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अम्बिया कहलाते हैं। तो अबुल अम्बिया होने की हैसियत से अर्ज़ मुकद्दसा तीनों जैतून की जगह जो जगह फ़लस्तीन है, वहाँ से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना ताल्लुक है, और तूर सीना से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, और हाज़ल बलद अल अमीन से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है। इन तीनों जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, तीनों जगह पर, ठीक है। वहादल बलद अल अमीन, और बलद अमीन की कसम यहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर इस शहर के अंदर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और करीब की आबादी में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ आए, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मबऊस हुए। गोया कि ये तीन जगह हैं वही के नुज़ूल की जगह। अब बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इंसान को हमने सबसे खूबसूरत बनाया, ये खूबसूरत जब रहेगा कि जब इसका ताल्लुक वही से रहेगा, नहीं समझे? और अगर इसका ताल्लुक वही से कट गया, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लगा, तो फिर सुम्मा रददनाहु असफल असाफिलीन, फिर इसको फिर हमने लुटाना है, असफल असाफिलीन, सबसे निचले तबके में इसको लाना है, फिर ये जानवरों से भी बदतर हो जाएगा, चूंकि वही का तसलसल इससे टूट गया है। तो इंसान आला और अशरफ है शक्ल के एतबार से, सूरत के एतबार से, अकल के एतबार से, फहम के एतबार से, समझ के एतबार से, हर एतबार से इंसान आला और अरफा है, लेकिन इसका आला और अरफा होना तब है कि जब इसका ताल्लुक वही से कायम रहे, और अगर वही से इसका ताल्लुक टूट गया है तो फिर ये तबाह है, फिर ये रदद ना हो असफल असाफिलीन, फिर हम इसको फेंक देंगे सबसे निचले तबके में। आगे आप देखिए साफ साफ फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात, हाँ वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, मतलब यह है कि जिनका ताल्लुक वही से कायम रहा, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है ना ख़त्म होने वाला, फमा युकज़्ज़िबु कबअदु बिद्दीन, और इन सब बातों के बाद अब दीन को जुटलाने का क्या फ़ायदा, क्या क्या कौन सी चीज़ है जो तुझे मजबूर कर रही है दीन को जुटलाने पर? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक तआला अहकमुल हाकिमीन, फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं है? जब ये सूरत पढ़ो इख्तिताम पर आओ तो कहा करो बला व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन, यानी अल्लाह पूछ रहा है ना कि क्या अल्लाह पाक सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं है, तो तुम कहो बला, जी जी अल्लाह है तो, व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन, मैं इस पर गवाह हूँ, मैं इस पर गवाह हूँ, मैं इस पर गवाह हूँ। ये मुस्तहब है ये कहना, अलैस ज़ालिका बिक़ादिर अला अन युहयिय अल-मौता, क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करे? आप जवाब में कहो बला, बला जी अल्लाह, मैं अकीदा रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, वान अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन, और मैं गवाह रहता हूँ कि तू इस पर तू ये काम कर सकता है। तो ये सूरतों के हक हैं भाई पढ़ने के, अल्लाह करे हम समझ जाए। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इस सूरह मुबारका के अंदर अपना और रब का तआरुफ़, और वही से महरूमी के असबाब, वही से महरूमी के असबाब, और तीसरी चीज़ है इबादत से रोकने पर सज़ा वो दी गई है, और इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ नुज़ूल के एतबार से इसकी इब्तदाई पाँच आयात जो हैं ये सबसे पहले नाज़िल हुई, लेकिन इब्तदाई पाँच आयात पूरी सूरत नहीं है, सिर्फ पाँच आयात। इक़रा बिस्म रब्बिकल, बहरहाल इसमें बड़ी तफसील बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है इस सूरह मुबारका के नुज़ूल के एतबार से, चूँकि पहली वही थी और आप अलैहिस्सलाम पर पहली वही गार के अंदर नाजिल हुई थी, गार हिरा के अंदर। तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि मदरसा बहरहाल बहरहाल बन जाए तो बिस्मिल्लाह, ना बन जाए तो मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है, गार से भी शुरू हो सकता है काम भाई।
नहीं समझे। मदरसा सबक पढ़ने की जगह, पहला सबक अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया कहाँ पर? गार के अंदर सबक पढ़ाया। फिर वहाँ से निकले जनाब, फिर जनाब दारे अरकम हैं, अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो दारे अरकम वो घर जो है वो जनाब एक मदरसा बन गया। अब अगर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर मदरसा बन गया, मकतब बन गया, हजरत फातिमा बिनत खत्ताब उमर रजी अल्लाह ताला की बहन, उनका घर जो है वो क्या बन गया? मकतब बन गया भाई। अल्लाह अकबर। फिर उन घरों से फातिमा बहन है ना, उस घर से फिर उमर बिन खत्ताब फाजिल हुए। उमर बिन खत्ताब फिर वहां से बदले, उनकी सोच बदली है, उनका नजरिया बदला है। ले जाओ मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा तो आपने फरमाया, बस उमर को अल्लाह पाक ने, हाँ ये वो शख्स है कि जिसके मरने पर इस्लाम भी रोएगा। हाय हाय हाय, जिसके मरने पर क्या होगा? इस्लाम भी रोएगा, इस्लाम भी गम करेगा कि इतना अजीम आदमी चला गया दुनिया से। ये है उमर बिन खत्ताब। इस उमर बिन खत्ताब को बदलने वाला अल्लाह है, लेकिन सबब कौन बन रहा है? बहन बन रही है, एक खातून बन रही है। एक खातून कितना इनकलाब पैदा कर सकती है, कितना इनकलाब बर्पा कर सकती है? सोचो तो सही, सोचो तो सही। माएँ बहनें सोचो तो सही, जी मैंने तो समझाया है, नहीं समझा तो छोड़ दिया। ओ मार तो खाई है ना फातिमा ने, वो मार खाई है, और उस मार में फिर दिल से जो आह निकली है वो अल्लाह के अर्श से जाकर टकराई है, और उमर बिन खत्ताब को हिदायत मिली। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी, फातिमा को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा पीटा कि लोग लुहान हो गई। इस कदर मारा, ये मारे कहाँ खाई हैं आज? आज तंज कोई आ जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दीन, अपने दीन को, अपने घरों में दीन को फैलाओ, अपने घरों को दीन का मकतब बनाओ, अपने घरों को दीन का मदरसा बनाओ, घरों को दीन का मदरसा बनाओ भाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से लिखे हुए कलिमात। आगे जनाब हजरत जिब्रील लेकर आए अपनी शक्ल में, असली शक्ल में। पढ़िए अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक, जिसने तुम्हें पैदा किया। आज नेमत याद दिलाई पैदा करने की, इसलिए कि पूरा अरब इस बात का गवाह था कि पैदा करने वाली ज़ात एक ही है, अल्लाह है। ये कोई नहीं कहता था कि पैदा करने वाला ये बुत है, वो बुत है, वो बुत है। खालिक सिर्फ अल्लाह को मानते थे, इसलिए रब का तारफ भी उसी लफ्ज़ से कहा गया जो सबके नज़दीक है, मुसल्लम है। मुसल्लम समझते हो ना, सबके नजदीक मोतबर है, मुसल्लम है। खलकल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया, मिन अलक, एक लोथड़े से जिसने पैदा किया। अलक का एक मतलब मुअल्लक से है, लटका हुआ। जब रहम मादर के अंदर वो नुतफा जाता है तो फिर वो लटक जाता है, और आप देखते हैं कि फिर माँ का उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, हरकत करना उसको कोई मुजिर नहीं होता। होता है कि नहीं होता? नहीं होता भाई, कोई मुजर नहीं होता भाई, कोई मुजर। ये तुम जितने बेड रेस्ट पर चले जाती हो ना, फिर ये मुजर हो जाता है। सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि ये अलक है, वो लटका हुआ, ये अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि तुम्हारी हरकत और सकनात से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत कोई गैर मामूली हरकत आ गई है, कोई ऐसा सदमा आ गया है, कोई जनाब कोई ऐसी आफत आ गई है, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन आम मामूली हरकतों से कुछ नहीं होता। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ लीजिए, पढ़िए व रब्बुका, और तेरा परवरदिगार बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है। यहाँ एक बारीक इशारा था, बारीक इशारा था, बारीक इशारा है। अलक, बेजान चीज को वो जानदार बनाने की कुदरत, बोलो, रखता है। तो आप और आपका माशरा उम्मी है, इन उम्मियों को अल्लाह तबारक ताला वो जानदार बनाएगा कि पूरी दुनिया के ये हादी और रहबर और रहनुमा बनेंगे। ये इशारा था। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अल्लम अल इंसान, इंसान को वो सिखाया। मालम या अलम, जो इंसान नहीं जानता था। हैं, दुनिया की हर शय अपना इल्म लेके आती है, इंसान दुनिया में आके इल्म सीखता है। इंसान दुनिया में बच्चा, जानवर का बच्चा पैदा होते ही अपने मफाद को जानता है, अपने नफ़े को जानता है, अपने नुकसान को जानता है, दुश्मन को जानता है,
लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा है नहीं जानता, सांप आ गया आएगा उसको भी पकड़ लेगा, लाठी पड़ी है उसको भी पकड़ लेगा, अंगारा आएगा उसको भी मुंह में डाल लेगा, और टॉफी आई है तो उसको भी डाल लेगा, इसलिए कि इस बेचारे को नहीं पता। ये सारा का सारा आके कहाँ सीखता है, दुनिया में सीखते हैं। और मैं क्या आपको बताऊं, साफ साफ कहा, खुलिकल इंसान दईफा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। कायनात में मखलूकात के जितनी मखलूकात के बच्चे पैदा होते हैं ना, उन सब बच्चों में सबसे कमज़ोर तरीन बच्चा इंसान का है। सबसे कमज़ोर तरीन बच्चा किसका है? इंसान का है। बाकी मखलूकात के जो बच्चे होते हैं, अगर कोई पालने वाला नहीं होता तो रुल खुल के पल जाते हैं, लेकिन इसको कोई पालने वाला जब तक नहीं होगा ये नहीं पल सकेगा, ये नहीं पल सकेगा। तो ये समझाया कि तू था क्या, और आज अगर तुझे कुव्वत और ताकत अल्लाह ने दी है तो तू घमंड करता है, तू गुरूर करता है। एक अरसा तो माँ के मरहूने मिन्नत रहा, फिर बाप के मरहूने मिन्नत रहा, और अब जवानी आई तो तू कहता है मैं कमाता हूँ, मैं करता है, मैं करता है, और कहाँ तुझे रब भूल गया। अब अगली बात सुनिएगा, अल्लम अल इंसान मालम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो नहीं जानता था। कल्ला, यकीनी बात है, इन्नल इंसान लयतगा, इन सब के बावजूद ये वही से महरूम हो गया। लयतगा, सरकश बन गया। क्या बन गया? सरकश। इसको शुक्र अदा करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ये सरकश बन गया। अर्रा हुस्तगना, अरे इसलिए सरकश बन गया, इसने अपने आप को मुस्तगनी समझा, मुझे शरीयत की जरूरत ही नहीं है, मुझे अकल अल्लाह ने दी है, अरे मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ। इन्न इला रब्बिका रुजआ, तो ये बीमारी बताई, दो बीमारियां, नंबर एक तो ज्ञान, नंबर दो अपने आप को बेपरवाह और मुस्तगनी समझना। आगे फरमाया इन इला रब्बिका रुजआ, आओ इलाज बताते हैं इस बीमारी का, तुझे तेरे रब की तरफ लौट कर जाना है, लौट कर जाना है। अरअयतल्लज़ी यनहा, अब इससे मुराद अबू जहल है। ताज्जुब खेज बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल्लाह में, और अबू जहल कहता है खबरदार, यहां मेरा इख्तियार और इख्तदार है, अगर यहां तूने नमाज पढ़ी तो आइंदा जनाब मैं तेरी गर्दन पर पांव रख दूंगा। ऐसे बदतरीन कलिमात कहे, और वो आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, बुरे इरादे से आप अलैहिस्सलाम के करीब आया, बीच में मलाइका हायल हो गए, फरिश्ते हायल हो गए। लोगों ने कहा जानो, पीछे सारे कुरैश का मजमा बैठा हुआ था, अरे जाना क्या हुआ? कहा भाई खंदकें, आग की खंदकें नजर आती हैं, और ऐसी मखलूक मुझे नजर आती है कि अगर मैं आगे बढ़ा तो ये मेरी बोटी बोटी नोच देंगे। हाय हाय, अरअयतल्लज़ी यनहा, है क्या आपने देखा उस शख्स को, यनहा, जो रोकते हैं, अब्दन, एक बंदे को, इदा सल्ला, जब वो नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने से रोकता है, मस्जिद को उसने अपना जनाब वो बनाया हुआ है, अपना इख्तियार और इख्तदार बनाया हुआ है, मस्जिद में आने से तुम किसी को रोकते हो? सवानिल आकिफ फीही वल बाद, कहा मस्जिद का हक बाहर से आने वाले का भी हक है, और वहां का जो रिहायशी है उसका भी हक है। कुछ लोग कहते हैं ये महल्ले की मस्जिद है, तो बाहर वाला आए तो ना पढ़े, निकाल दो, डंडे मार के निकाल दो। कुरान कहता है सवा अनिल आकिफ फीही वल बाद, आकिफ वहां का रिहायशी वो भी हक रखता है, वल बाद बाहर से आने वाला वो भी हक रखता है। अल्लाह का घर है भाई। अबदन इदा सल्ला, एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़े। अरअयता इन काना अलल हुदा, भला ये तो बताओ इन काना, ये बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल हुदा, ये तो हिदायत पर है। अव अमरा बित्तक्वा, और ये हुक्म देता है तकवा, नेकी का हुक्म देता है, तो क्या जब ये हिदायत पर भी हो, नेकी का हुक्म भी दे, फिर भी वो अबू जहल इसको रोकेगा? क्यों रोकेगा भाई? कोई रोकने का जवाब तो हो, नहीं समझे कोई रोक क्या? अगर ये बैतुल्ला में आकर कोई कुफर फैलाए, कोई शिर्क फैलाए, मस्जिद में आकर कोई कुफर फैलाए, कोई शख्स शिर्क फैलाए, तो रोको उसको। लेकिन एक आदमी हक बात कहता है तो उसे काम करने दिया जाए क्या ना करने दिया जाए? करने दिया जाए उसे। अरअयता इनका जब वतवल्ला, भला बताओ तो सही, इनका जब वतवल्ला, जिस शख्स ने जुटलाया दीन को, वतवल्ला, और नबी की इताअत से उसने मुंह मोड़ा, अलम यालम, ये नहीं जानता भी, अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह उसको देख रहा है? कल्ला, इसको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। हाँ, लइल्लम यंतही, अगर इस बुरी हरकत से ये बाज ना आया,
किस बुरी हरकत से? नबी को मस्जिद में रोकने से बाज ना आया, या कोई भी आदमी आज दुनिया में नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोकने से बाज ना आया तो फिर क्या होगा? लनस्फअम बिन नासिया, हम उसकी चोटी से पकड़कर खींच कर लाएंगे उसको जहन्नम में। लनस्फअम बिन नासिया, और कैसी नासिया, कैसी चोटी, कैसी पेशानी? नासियतिन, ऐसी पेशानी काजिबा, जो झूठी, खातिया, गुनाहगार। फलयदउ नादिया, ये कहता है मेरे पास बड़ा मजमा है, ये कहता है मोहम्मद के पास क्या है, मेरे पास तो जनाब रुआसा और सरदार और ये और वो और फलां, मेरे पास पुलिस फलां है। फलयदउ नादिया, फिर क़यामत होगी ना, फिर बुलाए अपनी मजलिस को। नादिया, नादिया का माना मजलिस, आज मजलिस को बुलाए। सनद उस जबानिया, अल्लाह कहता है हम भी बुलाएंगे अपनी मजलिस को, हम भी फिर जबानिया। जबानिया फरिश्तों की वो जमात है जहन्नम में जो अजाब देने पर मुसल्लत है। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसके तसव्वुरात गलत हैं। ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, आप इनकी बात न मानना, आप अल्लाह की तरफ आए, आप अपना काम न छोड़िए। वस्जुद, सजदा कीजिए। वक्तरिब, और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कीजिए। कुरान करीम के ज़रिए से सजदा लाजिम हो चुका है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान की अजमत है, कुरान की अजमत 5 आयात में बयान की गई। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, गुज़श्ता उम्मतों की बड़ी तवील तवील ज़िंदगियाँ थीं और हमारी ज़िंदगियाँ ही थोड़ी थोड़ी हैं, इतने लंबे लंबे, किसी ने जनाब 400 साल इबादत की, किसी ने 500 साल इबादत की। है मेरे नबी, तेरी उम्मत इस पर परेशान है कि हमारे आमाल थोड़े हो जाएंगे क़यामत के दिन, चलो आओ हम आपको लैलतुल क़द्र देते हैं। अल्लाह अकबर, एक रात की इबादत हासिल करो तो अपने नामे आमाल में 81 साल 82 साल की इबादत दर्ज करा लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक रात का क़याम करो और अपने नामे आमाल में 82 साल की इबादत क्या कर लो, दर्ज करा लो। फिर भी अगर कम हो गए तुम्हारे आमाल क़यामत के दिन, तो फिर बदनसीबी नहीं तो और क्या, फिर बदनसीबी नहीं तो और क्या। एक आदमी को मुलाजमत पर आपने रखा, आपने एक मजदूर बुलाया, भाई ये एक ईंट मुंतकिल करनी है, यहाँ से बाहर मुंतकिल करनी है, पर ईंट आपको हम 10 रुपये देंगे, ठीक है जी। दूसरे आदमी को आपने कहा तुमने भी ईंट मुंतकिल करनी है, पर ईंट 1 रुपये आपको दिया जाएगा। शाम को जब हिसाबो किताब निकला तो जिसको 1 रुपये की मजदूरी दी थी उसने ज़्यादा पैसे कमाए, और जिसको 10 की दी थी उसने क्या किया, थोड़े कमाए। तो बदनसीबी किसकी, इसकी अपनी है ना। अब ये कहे कि जनाब मुझे थोड़े पैसे आपने दिए, अल्लाहु अकबर, ये है बात। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको उतारा है लैलतिल क़द्र के अंदर। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और क्या खबर आपको लैलतिल क़द्र क्या है, ये अजमत है। लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतिल क़द्र वो है खैरुन, वो ज़्यादा बेहतर है, मिन अल्फ शहरिन, अल्फ 1000 को कहते हैं, शहर महीने, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीनों से ज्यादा कितनी बेहतर है, इसका तज़किरा नहीं है। और बाज़ ने कहा कि अरब में सबसे बड़ा हिंसा 1000 ही है, नहीं समझे, सबसे बड़ा हिंसा क्या है, 1000 ही है, 1000 से बड़ा कोई हिंसा है ही नहीं है। ये मिलियन शिलियन जितने भी आए ये तो फिर हमने अंग्रेजी से लिए है, वरना सबसे बड़ा हिंसा क्या है, वो 1000 है। तो मुराद बेपनाह कसरत है, बेपनाह कसरत है। और वो 1000 महीने अगर तुम शुमार करो तो वो 82 साल बनते हैं, तो बाकी उसके ज्यादा कितने। तनज़्ज़ुलुल मलाइका, तो ये रात ऐसी है फरिश्ते उतरते हैं, वर रूह और जिब्रील भी खास तौर पर फिहा, इसमें बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ, मिन कुल्ले अमरिन, हर अमर लेकर उतरते हैं। माना यह है कि अगले पूरे साल तक होने वाले तमाम मामलात को लेकर निकलते हैं, उतरते हैं। सलाम उन्हीं, ये रात सलामती ही है, हत्ता मतलअल फजर, यहाँ तक के तुलू फजर हो जाए। सूरतुल बय्यिना,
بینہ کی جو سورت ہے اس کا تعلق اور اس کا مضمون اصل میں ملتا جلتا ہے سورہ شورا کے ساتھ، اس کا مضمون تھوڑا سا ملتا ہے. البتہ یہ سورت مدنی کہی گئی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے جو خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ انہیں کس چیز کا انتظار تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا، وہ تو آ چکے، پھر کیوں نہیں ایمان لائے؟ یہ یہود نصارہ مشرکین سب کو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. والمشرکین، اور مشرک لوگ. منفقین، باز آنے والے نہیں ہیں، یعنی ہٹ درمی سے اور سختی سے باز آنے والے نہیں ہیں. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ کھلی دلیل ان کے پاس آ چکے. اس لیے کہ یہود بھی کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے. مشرکین بھی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ بینہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول، یتلو جو تلاوت کرے گا، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، اور ان پاکیزہ صحیفوں کے اندر کیا ہے؟ کتابیں ہیں مضبوط. کتب قیمہ، اس سے مراد صورتیں ہیں. مضبوط سے مراد، مضبوط سے مراد نہ منسوخ ہونے والی، جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ جو قانون ہے نا قرآن کا، یہ ٹھیک نہیں ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب کا علم دیا گیا. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ رسول ان کے پاس آ چکا. وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر، یعنی کیا حکم دیا گیا ان کو؟ یہ حکم دیا گیا، ليعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کریں. مخ خالصین لہ الدین، خالص دین اس کے لیے خالص کر لیں، معنی یہ کہ پکار اللہ کے لیے خالص کر دیں. حنفاء، سب شرک اور باطل سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. حنفاء کا معنی یہ ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور عبادت اور نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ دین منسوخ ہونے والا اب نہیں ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو. وَالْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین جو مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ سب کے سب فی نار جہنم، جہنم میں جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ میں رہیں گے اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا. اولئک هم شر البریا، یہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. اولئک هم خیر البریا، یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ہے ان کے پروردگار کے پاس. جنات عدن، باغات عدن، ہمیشہ رہنے والے. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ابدا، اس کے ساتھ ابد آیا ہے، یہ ان کی تاکید، ان کے ساتھ اکرام و اعزاز ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. دنیا میں جو مصیبت آئی اس پر بھی راضی، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی. ذالک لمن خشی ربا، ارے یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے یہ مقام ہے. یہ آگے تسلسل سے چار صورتیں جو آ رہی ہیں اس میں جناب آخرت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، یہ اس کا موضوع ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا یا زمین میں زلزلہ برپا کر دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالہا، اور نکال پھینکے گی زمین اثقالہا، اپنے بوجھوں کو، اندر جو دفینے ہیں اور جو مردے ہیں سب کو نکال پھینکیں گی. وقال انسان، انسان کہے گا اس وقت، ما لہا، ایسے کیا ہوا، کیا ہوگا، یہ زمین کے اندر سے سب کچھ نکل کے باہر کیوں آ رہا ہے؟ یومئذن، اس دن، تو حدث اخبارہا، زمین بتائے گی، اپنی خبریں بتائے گی، بتائے گی اس جگہ پر اس مجرم نے یہ نافرمانی کی تھی، اس جگہ پر اس نے چوری کی تھی، اس جگہ پر اس نے زنا کیا تھا، اس جگہ پر اس نے یہ بدکاری کی تھی. زمین کے خطے گواہ بنیں گے. کیوں گواہ بنیں گے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، تیرے رب نے اس کو وحی کی ہو گئی. یومئذن، اس دن، یصدر الناس اشتاتن، ہو جائیں گے لوگ، یصدر
हो जाएंगे या जाहिर होंगे लोग अश्तातन ग्रोहों की शक्ल में, एक ग्रोह जन्नतियों का, एक जहन्नमियों का, और इसी तरह से एक ग्रोह नमाजियों का जिनकी ज़िंदगी में नमाज का गलबा, एक रोज़ेदारों का, इसी तरह से गुनाहों के भी ग्रोह होंगे। क्यों? लियरव आमालहुम, ताकि आमाल देख लें। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन, और जिस शख्स ने जनाब यामल अमल किया मिसकाल ज़र्रतिन एक ज़र्रे के बराबर, खैरन उसने कोई नेकी की, यरहू उसको देख लेगा। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन, और जिसने एक ज़र्रे के बराबर शर किया उसे भी वो देख लेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनके मुतालिक है, उनकी खादिमा थी पास, और एक साइल आया, साइल साइला थी या साइल था सवाल के लिए, तो कोई शय घर में मयसर नहीं थी, तो एक अंगूर का दाना, एक अंगूर का दाना पड़ा हुआ था। काज तो अपनी खादिमा से कहा, यही इसको दे दो, यही इसको दे दो। खादिमा ने कहा कि अम्मा, इस एक अंगूर के दाने से उसका क्या काम बनेगा? तो फरमाया, उसका बने ना बने, हमारा तो बनेगा भाई, हमारा तो बनेगा ना, ज़र्रा तो है, जिसने ज़र्रे बराबर भी नेकी की उसका अजर पाएगा। अल्लाह अकबर, उसका ना बने, हमारा तो बनेगा। तो ऐसे होते हैं लोग, ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, क्या लोग थे, क्या लोग थे, क्या लोग थे। दरिया के किनारे पर खड़े हैं, समंदर के किनारे पर खड़े हैं, वो दूर 3 फरलांग जहाज़ खड़ा है, 3 फरलांग पर जहाज़ खड़ा है, समंदरी जहाज़, और वहाँ लोग सवार होने के लिए जो जाते थे कश्ती पर सवार, इसलिए कि वो किनारे पर तो इधर बाहर इधर नहीं आ सकता, पानी थोड़ा है। एक आदमी ने छींक, उसको छींक आई, वो वहाँ उसने जहाज़ पर छींक आई उसे, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा था कि जिसकी आवाज़ क्या थी कि भाई वो दूर तक आवाज़ पहुँची। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उस आवाज़ को सुना। फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, उसी मजलिस में अगर आप मौजूद हैं तो आपको यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है, उसी मजलिस में। ये मजलिस अलग है, 3 फरलांग का फासला है। तो क्या किया इन्होंने जनाब, एक कश्ती किराए पर ली, 3 दिरहम पर, 3 दिरहम पर कश्ती ली, और उस जहाज़ के पास पहुँचे, उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, और उस आदमी को जाके कहा यरहमुकल्लाह। गैब से आवाज आई, इमाम अबू दाऊद ये 3 दिरहम से तूने जन्नत कमा ली। इमाम अबू दाऊद ने किताब लिखी है, सुनन अबी दाऊद किताब लिखी है, सारी जिंदगी हदीस में गुजर गई है, सारी जिंदगी हदीस में गुजर गई है। ये बात नहीं आई गई, लेकिन बात आज आ गई है कि तूने 3 दिरहम से जन्नत कमा ली। गैब से आवाज आई। तो अल्लाह तबारक ताला, मेरे अजीजो, अल्लाह पाक वो कादिर मुतलक ज़ात है, एक ज़र्रे पर फैसला कर दे, एक ज़र्रे पर फैसला कर दे, वो तो नियतों को जानता है ना। इसलिए कि वहाँ से कि सुन्नत पूरी हो जाए, प्यारे हबीब की सुन्नत से मोहब्बत है, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम उसके जवाब में क्या करो, यरहमुकल्लाह। हम पास में नहीं कहते, जो वाजिब होता है तो 3 फरलांग का सफ़र करके कौन कहेगा। हम कहेंगे दिमाग खराब है मेरा, मैं वहां जाके यरहमुकल्लाह कहूं। अल्लाह अकबर। वलआदियाति ضبحًا فالموريات قد, ये सूरत भी बड़ी अजीब है, इसमें इंसान की एक बीमारी को बयान किया कस्में खाकर, और फिर बीमारी का सबब बताया, और उसके बाद इलाज बताया। बीमारी, फिर सबब, फिर इलाज। वलआदियाति ضبحًا, और कसम है उन घोड़ों की, अलआदियात दौड़ने वाले घोड़ों की, ज़बहन हांपते हुए, फलमूरियाति कदहा, उन घोड़ों की कसम जो जनाब चिंगारियाँ उड़ाते हैं, उड़ाते हुए चलते हैं, उनके नीचे नाल लगा हुआ होता है ना लोहे का, वो जब ज़ोर से पत्थर पर पड़ता है तो चिंगारी उठती है। फलमुगीराति सुबहा, और उन घोड़ों की कसम जो सुबह के वक्त हमला करते हैं, और फ़ासर रबी नक़ा, और फिर वो अपने इस पैर के ज़रिए से गर्द गुबार उड़ाते हैं। आम तौर पर सुबह को गर्द गुबार नहीं उड़ता, रात की शबनम गिरी हुई होती है ना, लेकिन ये इतनी तेज़ी से दौड़ते थे घोड़े, सहाबा के घोड़े, ये सहाबा के उन घोड़ों की कसम खाई है जो जिहाद के घोड़े थे, और जिनको थोड़ा सा दाना पानी दिया जाता था तो अपनी जान लड़ा देता था। फवसत रबी जमा, और वो मजमे में घुस जाते हैं, ये कसम खाकर कहा इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का क्या है, लकनूद, ना शुक्र है।
माना ये कि घोड़े जैसा शुक्र तो अदा करना। घोड़ा अपने माल से, अपने मालिक से थोड़ी सी चीज खाता है तो क्या है, वो शुक्र अदा करता है, तो तुझे भी शुक्र अदा करना चाहिए। अब ये इसकी बीमारी हो गई, क्या बीमारी? ना शुक्री। وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, और इस बीमारी पर ये गवाह भी है, इसको भी पता है कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, बीमारी का सबब ये है कि ये माल को बड़ी मोहब्बत करता है, ये माल बड़ा चाहता है। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, माल से इसकी मोहब्बत لَشَدِيدٌ। आओ इलाज भी सुन लो, इलाज भी सुन लो। अल्लाह अकबर, कोई हकीम और डॉक्टर आके बैठ जाए और कहो, कहे कि आओ आज मैं तुम्हें चंद बीमारियों का इलाज बताता हूँ ना, तो सब मुतवज्जे हो जाएंगे और सब जनाब अपने कामों को छोड़ जाएंगे कि भाई ठीक है, आज मुफ्त में डॉक्टर मिल गया, उसने जनाब बीमारियाँ भी बताई हैं और उसने जनाब क्या है असबाब भी बताए हैं इलाज। हल्का सा चला दो पंखे, चला दो बेटा, हल्के हल्के चला दो। अफला यालम इदा बुअसिर मा फिल कुबूर, क्या ये इलाज है? अफला यालम, क्या ये नहीं जानते? इदा बुअसिर, जब ये उखेड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे, हैं, इदा बुअसिर, जब निकाल दिया जाएगा, मा फिल कुबूर, जो कब्रों में है, तो इलाज ये है कि मौत और कब्र को याद करना चाहिए। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और वहुस्सिला, और जाहिर कर दिया जाएगा, माफ़ी सुदूर, जो सीनों में होगा। इन रब्बहुम बिहिम, बेशक इनका रब उस दिन लखबीर, बाखबर होगा। अलकारिआह, आमाल का वजन होगा क़ियामत के दिन, ये इसका खुलासा है। अलकारिआह, वो खटखटाने वाली, वो तेज़ आवाज़, मल कारिआह, तुम्हें क्या मालूम वो क्या है? वमा अदरा का मल कारिआह, और तुम्हें क्या मालूम वो कारिआह, तेज़ आवाज़ क्या है? यौम, वो दिन, यकूनुन्नास, जिस दिन हो जाएंगे लोग, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों की तरह, इसलिए कि पतंगा कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उनके चलने में डिसिप्लिन नहीं होता, चींटियों की तरह वो एक लाइन पर चलती हैं, बाज़ परिंदे एक लाइन पर चलते हैं, लेकिन पतंगे इस तरह से नहीं, बिखरे हुए चलते हैं। वतकूनुल जिबाल, तो गोया के लोग खौफ के अंदर होंगे और बेहवास होंगे, हवास खो बैठेंगे। वतकूनुल जिबाल, और पहाड़ हो जाएंगे, कल एहनिल मन फूश, दुनी हुई रुई की तरह। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, यानी जर्रे जर्रे हो जाएंगे, और जिसका नामा अमल भारी पड़ गया, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो पसंदीदा जिंदगी में होगा। ईशा, जिंदगी पसंदीदा, मन पसंद की जिंदगी में होगा। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु, और जिसका नामा अमल कम पड़ गया, आहा, जिसकी नेकियां कम पड़ गई, फउम्मुहु हाविया, ठकाना, माँ को अरबी ज़बान में कहते हैं ना, बच्चा वापस माँ ही के पास आता है ना, जितना भी हो माई मारो फिर भी माई से चिमटता है। फ़ुम्बहू हाविया, उसका ठिकाना हाविया, जहन्नम का घड़ा है, जो सबसे निचला तबका है। उमा अदरा का माहिया, तुझे क्या मालूम वो क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। सूरत तकासुर, मर्ज इलाज, मर्ज इलाज। अल्हाकुम तकासुर, ये है इसका दावा। अल्हाकुम, गाफिल कर दिया तुम लोगों को, बड़ी अहम सूरत है भाई, बड़ी अहम सूरत है। हाय काश वक्त है नहीं, मैं इसमें तफसील करूं। अल्हाकुम, तुम्हें गाफिल कर दिया। अत्तकासुर, माल की कसरत ने, सुनिएगा तीन चार माने इसके, सुनिएगा, तुम्हें हलाक कर दिया, किस चीज ने? माल की कसरत ने, बहतात ने। अल्हाकुम, तुम्हें गाफिल कर दिया। अत्तकासुर, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की हिर्स ने, कसरत की हिर्स, मैं उससे ज़्यादा हो जाऊं, मेरा माल ज़्यादा हो जाए, मेरी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, इस हिर्स ने तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्हाकुम उत्तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया, समझे भाई, तुम्हें गाफिल कर दिया दुनिया की चीज़ों ने, दुनिया के सामान ने तुम्हें गाफिल कर दिया। अब किस चीज़ से गाफिल कर दिया? वो शय जिक्र नहीं फरमाई, आनिल आखिरा, आखिरत से गाफिल कर दिया। एक माना ये भी हो सकता है, तुम्हें गाफिल कर दिया हकायक से, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे आ गए, हकीकत नहीं समझ सकते हो। तुम्हें गाफिल कर दिया कुरान करीम से, तुम्हें गाफिल कर दिया अल्लाह से, तुम्हें गाफिल कर दिया शरीयत से, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, लिहाजा मर्ज क्या है? गफलत है। मर्ज क्या है? गफलत है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के तुम कब्रों को पहुँच गए, ये मर्ज छोटा नहीं है, ये मर्ज बड़ा लंबा है,
ये मर्ज बड़ा लंबा है, इलाज कराया नहीं है तूने ना, तो अब तो ये मर्ज पुराना हो गया है। कल्ला सौफा तालमून, ठीक है अन करीब तुम्हें पता चलेगा, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर सुन लो तुम्हें पता चलेगा जब तुम खबरों से निकलोगे। कल्ला लौ तालमून इल्म अल यकीन, काश के तुम लोग जान लेते यकीन का इल्म। लतरवुन्नल जहीम, और तुम देख लेते जहन्नम को। सुम्मा लतरवुन्नहा, और फिर तुम उसे देखोगे। आइनल यकीन, अपनी आँखों से उसे देखोगे। तुम मलतुसअलुन्ना, फिर तुमसे सवाल किया जाएगा उस दिन अनिन नईम, नेमतों के बारे में। सूरतुल असर हम छोड़ रहे हैं, आखिरी नशिस्त में हम जिक्र करेंगे इसको इंशाअल्लाह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, और तबाही है उस शख्स के लिए। लिकुल्लि हुमज़ातिन, ऐब निकालने वाले के लिए तबाही है। लुमज़ातिन, मुंह पर बुरा भला ताने देने वाले के लिए तबाही है। किसके लिए तबाही है? पीठ के पीछे ऐब निकालना और इसी तरह से सामने गालियां बकना, ऐसे के लिए तबाही है। अल्लज़ी जमा मालन वअद्दादा, जिसने माल जमा किया और उसको गिन गिन के रखा, गिन गिन कर रखा। मोहब्बत की वजह से माल का गिनना बुरा है, वैसे गिनना बुरा नहीं है, जाहिर है आप गिन के देंगे, गिन के लेंगे ना, लेकिन मोहब्बत की वजह से बार बार उसको गिनता है, कितने पैसे हो गए जी, इतने हो गए, कितने हो गए जी, इतने हो गए, ये है हर वक्त। तो ये बीमारी बताई कि जनाब ये क्या है, ये क्या करता है? एक बीमारी तो ये है कि दूसरों पर तंज करता है और दूसरों को गालियां देता है, और दूसरी बीमारी ये है कि माल से मोहब्बत करता है। यहसब अन्न मालहु अखलदा, इसका ये गुमान हो गया है कि माल इसको हमेशा ज़िंदा रखेगा। कल्ला, ऐसा नहीं है। लयुम बजन नफिल हुतामा, अन करीब इसको डाला जाएगा हुतामा के अंदर। हुतामा, चूरा चूरा कर देने वाली में। वमा अदराका मल हुतामा, और तुझे क्या मालूम वो हुतामा चूरा चूरा कर देने वाली क्या है? नारुल्लाहिल मुकदा, वो अल्लाह की सुलगाई हुई और जलाई हुई आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये वो है जो बराए रास्त इंसान के दिलों पर असरअंदाज होगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक ये उन पर बंधी हुई होगी। फी आमद मुमद्दा, और मजबूत सतूनों के अंदर, जिस तरह से मैंने पीछे अर्ज कर दिया है, अलैहिम मुसदा के अंदर के सतून होंगे और ये आग इन पर पाबंद की गई होगी। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, दावा सूरत यह है जो शाइरुल्लाह की तोहीन और तजलील करता है उसके लिए तबाही के फैसले हैं। अलम तर, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 55 दिन पहले का यह वाकया पेश आया। अलम तर, क्या तूने नहीं देखा? कैफ, कैसे किया? फअल रब्बुका, तेरे रब ने, अस्हाबिल बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। ये यमन से एक शख्स था, अबरहा उसका नाम था, और यह बैतुल्लाह को मिसमार करने के इरादे से निकला था। तो क्या हुआ? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या नहीं कर दिया अल्लाह पाक ने कैदहुम, उनकी नियतों को, उनके मंसूबों को, फी तज़लील, बेकार नहीं कर दिया? और उस बेकार करने की क्या सूरत बनी? वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर भेज दिया तैरन परिंदे, हैं झुंड के झुंड परिंदों के भेज दिए, छोटे छोटे परिंदे। तरमीहिम, वो फेंक रहे थे, बेहिजारतिन, पत्थर, मिन सिज्जील, किसके? कंकर के पत्थर पर फेंक रहे थे। फजअलहुम कअस्फ माकूल, और उनको कर दिया जैसा कि खाया हुआ भूसा होता है। लीलाफ कुरैश हैं, लीलाफ कुरैश। अब इस सूरत का माकबल से बड़ा गहरा रब्त है, यह समझने का है। शायद आज से पहले आपने इस बात को न सुना हो या न समझा हो, इसको समझिएगा, वरना ये दोनों सूरतें आपस में ऐसी जुड़ी हुई और मरबूत हैं कि कुरैश का समझना उस पर मौकूफ़ है, अलमतरा पर, फील पर, और फील का समझना इस पर मौकूफ़ है। अब मैं पहले एक पस मंज़र ज़िक्र करता हूँ, मैं आखिरी बात करूँगा, और मेरे ख्याल से फिर हम आखिरी निश्चय में ही करेंगे, यही हो सकता है। असर भी बाकी है। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद। असल में सबको भूख भी लग गई होगी, सुबह से बैठे हुए हैं, थक भी गए होंगे। किस्सा ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है, और आप कहाँ से तशरीफ़ लाएंगे? कुरैश से। और कुरैश की कौन सी शाख? बनू हाशिम से। तो अल्लाह पाक ने कुरैश की अहमियत पूरे अरब के लोगों के दिलों में बिठानी थी,
ठीक है, क्यों जी? इसलिए कि कुरैश से क्या होगा, एक नबी आएगा। जब नबी कुरैश से आएगा तो उस नबी की अहमियत बैठाने के लिए कुरैश की अहमियत बैठाई है। तो अब क्या हुआ कि अब्रहा का लश्कर आया और जनाब कुरैशियों ने क्या सब के सब पहाड़ों पर चढ़ गए और अल्लाह से दुआ मांगी और जनाब अब्रहा का लश्कर क्या हो गया, तबाह हो गया। जब अब्रहा का लश्कर हो गया तबाह, तो कुरैश की अजमत सारे लोगों के दिलों में बैठ गई कि भाई ये बड़े लोग हैं, इनके साथ छेड़छाड़ ना करो। अब उसके बाद जब ये सफर करते थे, आपकी पैदाइश से 55 दिन पहले का वाकया है और नबुवत आपको मिली 40 साल में। कितने साल में? 40। तो 40 साल आप समझ ले, 40 साल इन कुरैशियों ने बड़ी मौजें की हैं। और ये जहां पर भी जाते थे ना तिजारत के लिए, रास्ते में अगर कोई लूटने आता, ओए खबरदार मैं कुरैशी हूं। अच्छा जी ठीक है जी, आप जाएं, आपको इजाजत है, आप बड़े लोग हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो कुरैशियों के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं करता था। और ये सब कुछ किस लिए हुआ? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए हुआ। ये उनकी आमद की एक निशानी थी। ठीक है जी, तो अल्लाह ने फरमाया कि इलाफ कुरैश, कुरैशियों की मोहब्बत, कुरैशियों को मानूस करना मकसूद था। दो माने, कुरैशियों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालनी थी, नंबर दो कुरैशियों को सफ़र से मानूस करना था। कौन से सफ़र से? सर्दी और गर्मी के सफ़र से मानूस करना था। शाम और यमन की तरफ ये जाते थे सफ़र करने में, रास्ते में लुट जाते थे, तो इन दोनों असफार से इनको क्या करना था, मानूस करना था, ताकि ये वहाँ जाएं बार बार तो क्या होगा, लोगों के दिलों में इनकी अहमियत बैठेगी और फिर क्या होंगे, नबी आखिर जमां इनसे आएंगे। और इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह जब 40 साल के बाद नबुवत का ऐलान करेंगे, तो ये यमन और शाम को जब ये जा रहे होंगे, तो लोग इनसे पूछेंगे भाई तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आया जो नबी बन के आया है, तो ये तज़किरे करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस चर्चे के लिए अल्लाह पाक ने 40 साल पहले इंतज़ाम फरमाया। अब समझिएगा, तो फ़जअलहुम कअस्फिन माकूल, उनको हमने भूसा भूसा क्यों कर दिया, लइलाफ़ कुरैश, कुरैशियों को मानूस करने के लिए, इलाफ़हिम रिहलतश्शिताए वस्सैफ़, और उनको मानूस करना था किस चीज़ से, रिहलतश्शिताए हैं सर्दी के सफ़र से, वस्सैफ़ और गर्मी के सफ़र से। तो ये सर्दियों में यमन को जाया करते थे और गर्मियों में ये शाम को जाया करते थे, ये इनके बड़े सफ़र थे दो, और बिल्कुल मुखालिफ सिमत पर थे, जनाब एक जुनूब में था एक शिमाल में था। तो जब इनकी इतनी अहमियत हमने दिलाई है, फल याबुदू, तो इनको चाहिए कि ये बंदगी करें, रब हाजल बैत, इस घर के रब की, इसलिए कि इस घर की वजह से इनको क्या मिली है, इज्जत मिली है ना। हाँ, अल्लज़ी, वो रब, अतअमहुम, जिस रब ने इनको खाना दिया, मिन जोअ, भूख की वजह, भूख की हालत में, इसलिए कि मक्का में कोई जनाब जरी ज़मीन तो है नहीं है, सब के सब गल्ले कहाँ से आते थे, बाहर से आते थे। और अब तुम्हें अमन व अमान के परवाने मिल गए, सारे मुल्कों में जाने के परवाने आपको क्या है बोलो, मिल गए ना। हाँ, फ्री जनाब क्या हो गया वो टैक्स, फ्री दाखिला हो गया, समझे भाई। वह आमना हम मिन खौफ, और उस अल्लाह ने तुम्हें अमन दिया है खौफ से। क्या करें भाई, हैं, चलें कि बस करें, बोलो, पढ़ लें, नहीं नहीं सूरह असर वो आखिर में करेंगे, ये दो तीन सूरतें मैं छोड़ूंगा, असर, और मुझे सूरह शम्स भी छोड़नी थी, तो ये असर, कौसर और नसर, ये तीन सूरतें मुझे आखिरी दिन में करनी है, ठीक है। और अरअयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, हाँ ये सूरतुल माऊन है, माऊन का मतलब ये होता है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें। अरअयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या देखा उस शख्स को जिसने, इसमें माशरती छः बीमारियों का तज़किरा है, कितनी का, छः, ये बड़ी बदतरीन बीमारियाँ हैं भाई, माशरती छः बीमारियों का तज़किरा है, छह बीमारियों का तज़किरा है, अल्लाह अकबर। सुने, क्या देखा आपने उस शख्स को, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन को झुठलाता है, क्या करता है, दीन को झुठलाता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो पहली बीमारी तो यह है कि दीन का झुठलाना, फ़ज़ालिकल्लज़ी, यही तो वो है जो यतीम को धक्के देता है,
نمبر تین ولا يحض على طعام المسكين, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے, ترغیب ہی نہیں دیتا. فویل للمصلین, تباہی ہے نمازیوں کے لیے. لیکن کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, ٹھیک ہے, وہ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نماز سے کیا ہیں, بے خبر ہیں. اب یہ بے خبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے مسائل نہ جاننا, نماز نہ پڑھنا, سستی کرنا, نماز وقت سے ٹال کر پڑھنا, یہ سب ساہون میں آتا ہے. الذین هم یراؤن, اور یہ وہ لوگ جو اپنے اعمال کا دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون, اور روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں. بخل کی انتہا ہے یہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد برتن ہے, اس سے مراد پلیٹ ہے, اس سے مراد پھاوڑا ہے, اس سے مراد کھدائی کی چیزیں ہیں. تو ایسی چیزیں جو استعمال سے گھستی نہیں ہیں, تو وہ اگر آپ سے کوئی مانگے تو کیا کر لینا چاہیے, لیکن جو آپ کو واپس نہیں کرتا مت دو اس کو. وہ اگلے دوا بھی لیتے ہیں نا, دوا بھی لیتے ہیں جی, تو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے, بھائی گھر میں برتن آ جائیں خدا کے واسطے, برتن واپس کیا کرو. وہ ڈنر سیٹ بیچاریوں کا خراب ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ دینا چھوڑ دیتی ہیں, پھر نہیں سمجھے, وہ دینا چھوڑ دیتی ہیں, آئندہ کے لیے نہیں بھیجیں گی اس لیے کہ سیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسا نہ کیا کرو, یہ زیادتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بات لکھی ہے, ارشاد فرمایا آپ کے گھر میں اگر کوئی کھانا بھیجتا ہے, اس برتن کے اندر کھانا کھانا جائز نہیں ہے جو اس نے برتن بھیجا ہے, اس لیے کہ اس نے کھانا آپ کو بھیجا ہے, برتن استعمال کی اجازت نہیں دی ہے. آپ تو چولہے پر بھی رکھ دیتی ہو اس کو, نہیں سمجھے, آپ تو چولہے پر بھی اس کو رکھ دیتی ہو. الا یہ کہ ایک صورت حضرت نے بتائی, فرمایا اگر وضع یا مزہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وضع یا مزہ جیسے کھیر ہے, کسٹرڈ ہے, اس طرح کی چیزیں اگر دوسرے برتن میں آپ انڈھیلیں گے تو اس کا وہ مزہ ہی سارا خراب ہو جاتا ہے نا, تو جو خاص بناوٹ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ اسی میں استعمال کر سکتے ہیں, وہ ڈونگا سامنے رکھ سکتے ہیں. باقی ہے کہ دوسرے برتن ہیں, پتیلی ہے, اس طرح کی چیز, اب اس کو جناب چولہے پر چڑھا دیا, جلا کر واپس دے دیا, وہ بیچاری کیا بولے, کیا بولے گی بھائی, ہائے ہائے, خیال کرو یہ قیامت کے دن دینی پڑے گی بھائی, یہ قیامت کے دن دینی پڑے گی. یہ ایک پلیٹ بھی دینی پڑے گی, ایک پلیٹ بھی دینی پڑے گی, ایک برتن چمچ بھی واپس کرنی پڑے گی بھائی. تو یہ واپس دنیا میں کیا کرو. قل یا ایھا الکافرون, کوثر کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست آخرے میں کریں گے. قل یا ایھا الکافرون, اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کفار سے لا تعلقی ہو. کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں بندگی کرتا, ما تعبدون, جس کی تم کرتے ہو جن بتوں کی. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو فی الحال, ما اعبد, جن کی میں کرتا ہوں, میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں بندگی کروں گا, ما اس کی, عبدتم, جس کی تم کر چکے ہو. ولا انتم, اور نہ تم عابدون, بندگی کرتے ہو, ما اعبد, جس کی میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہے. یہ آئے تھے کہا کہ بھائی کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں, کوئی مل ملا کے گزارا کر دیتے ہیں, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی طرح, ہم ہماری طرح عبادت کریں, ایک سال ہم آپ کی طرح کر لیں گے, مل ملا کے گزارا کریں گے. تو کہا کہ نہیں, دونوں کے لیے تباہی ہے, اس طرح سے نہیں کریں گے. تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین, ہم اپنے اسلام پر چلیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں ہوتا بیٹا جی. کیا کرنا ہے جی, کیا کرنا ہے, لوگوں کو بھی چلانا ہے نا, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو یہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا, اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ تو انشاءاللہ آخری میں کریں گے. تبت یدا کو دیکھ لیں, تبت یدا, سورۃ اللہب, دشمن کی ہلاکت کا بیان اور تباہی کا بیان ہے اور اعلان فتح ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال اگر کسی کو ایسا دشمن تباہ تنگ کر رہا ہو کہ جس نے آپ کا جینا دوبر کر دیا ہو, تو اس کے لیے تبت یدا پڑی جا سکتی ہے. لیکن تبت یدا بہت سخت ہے, جان کی تباہی ہے, پھر سمجھے بھائی, جان کی تباہی ہے. یعنی کوئی کافر آپ کو ایسا ستا رہا ہو, تنگ کر رہا ہو, تو اس کے لیے یہ پڑی جا سکتی ہے, لیکن ایسے ہر ایک کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے.
तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट गए यदा अबी लहबिन अबू लहब के दोनों हाथ, व तब और वो भी टूट गया, या ये माना है कि टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो भी टूट जाए। बद्दुआया करीमा भी है और खबर भी है, हलाक हो गया अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और अबू लहब हलाक हो गया। ये क्यों? इसलिए कि इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा था और आपने सफा पर सबको जमा किया और जमा करके आपने इस्लाम की दावत दी और आखिर में कहने लगा अलहादा जमा तना तब्बन लगा सायर यौम, इसलिए तूने हमें जमा किया था सारा दिन तेरे लिए तबाही हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, अब्दुल उज्जा इसका नाम था और ये बैतुल्लाह का खजानची था। क्या था? खजानची था, खजानची बैतुल्लाह का, हरीस दर्जे का इंसान था, हरीस दर्जे का इंसान था और बैतुल्लाह में सोने के हिरन रखे हुए थे, हैं वो रखे हुए लोग वक्फ किए किसी ने बैतुल्लाह, वो भी इसने चोरी कर लिए। और इसकी बीवी उम्मे जमील, उसका भी यही हाल था। इंतहाई 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 रसूलुल्लाह की दुश्मन थी। तो ये वो जोड़ा है जो दोनों के दोनों इस्लाम के दुश्मन थे, दोनों के दोनों इस्लाम के दुश्मन थे। समझे भाई, बड़े ख़ानदान हैं, जाहिर सी बात है कि अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? चचा है, सगा चचा बनू हाशिम है और बीबी जो है ना उम्मे जमील है और वो उम्मे जमील बिन उमैया है। ये उधर अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान की सगी बहन है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की सगी पुफी है, वो बनू उमैया से थी, वो बनू उमैया के ख़ानदान की है और बनू उमैया और बनू हाशिम में हमेशा चपकलश रहती थी। इस शादी के बाद इनमें कुछ न कुछ आपस में बात बन गई, लेकिन ये दोनों चोटी के ख़ानदान के लोग थे, मियाँ बीवी, लेकिन इस्लाम के दुश्मन थे, तो ये ख़ानदान इनके किसी काम ना आया। माँ अगना अन हो, उसे फ़ायदा नहीं दिया उसके माल ने, व माँ का सब और जो कुछ उसने कमाया उसने उसे फ़ायदा नहीं दिया। सयसला नारन ज़ातल हब, सयसला नारन और अन करीब उसको दाखिल किया जाएगा नारन आग के अंदर, ज़ातल हब जो शोले वाली होगी, वम रातु, और सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी दाखिल किया जाएगा, हैं उसकी बीवी को भी दाखिल किया जाएगा। हम मालतल हतब, जो क्या करती थी, जो गठड़ियाँ लकड़ियों के गठड़े उठा उठा के लाया करती थी, रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे डालती थी, और फी जी दिहा हबल मिन मसद, और उसकी उसकी गर्दन में होगी हबल रस्सी मिन मसद, कांटेदार मूंज की रस्सी, बान की रस्सी, मूंज की रस्सी। क़्यामत के दिन वो जंगल से गठड़ा लेके आ रही थी और उसी में फंदा लग गया, उसी में मर गई, उसी में हलाक हो गई। समझे, तो इस तरह से इनका नामो निशान तबाह हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक ज़ात है। अल्लाह अकबर, अकेला है, अहद अकेला, ज़ात में भी सिफात में भी, अल्लाह अकेला है ज़ात में भी सिफात में भी। अल्लाहुस्समद, अल्लाह वो ज़ात है जो बेनियाज है, यानी सब उसके मोहताज हों, वो किसी का मोहताज न हो। लम यलिद, और वो ज़ात है लम यलिद जिसने किसी को नहीं जना, यानी जिसकी औलाद नहीं है। वलम यूलद, और न वो जना गया, वो बाप के सिलसिले से पाक है। वलम यकुल लहू कुफ्वन अहद, और उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है। किस्सा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि अनसिब लना रब्बक, आप अपने रब का नसब तो बयान करें, हम देखें आपका रब कौन है। इसलिए कि उनके यहाँ रब तो कोई लकड़ी का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई अपने रब की नस्बत आसमान के साथ मिलाता था, कोई सूरज के साथ मिलाता था, कोई किस शय के साथ मिलाता था। कहा आप अपने रब की नस्बत बयान करें ना, आपका रब किस चीज़ से है। तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई। कह दीजिए वही रब, मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ सुनिएगा, वही तो है जिसके बारे में तुम्हारा ये नजरिया है कि आसमान से बारिशें वही बरसाता है, तुम्हारा नजरिया है कि पैदा उसी ने किया है, तुम्हारा नजरिया है कि ना हम मर जाएं मौत और हयात का वही मालिक है, तुम्हारा नजरिया है कि अगर कश्तियों में समंदरों में फंस जाएं तो वही निजात देता है। अरे वही अल्लाह तो अकेला है, उसी की बात तो मैं कह रहा हूं, वही तो अकेला है। असमद, वो किसी का मोहताज नहीं है, तुम सब उसी के मोहताज हो। बाकी बात तुम ये पूछते हो कि रब का नसब बयान करो, तो भाई लम यलिद वो औलाद के सिलसिले से, माँ बाप के सिलसिले से पाक है। अच्छा फिर हम उसे कैसे समझें?
किसी चीज को समझाने के लिए किसी दूसरी शय का सहारा लेना पड़ता है। एक आदमी को आप समझाते हैं, एक आदमी ने जहाज जिंदगी में नहीं देखा, जहाज कैसा होता है? उसको आपने कहा परिंदा को भी देखा है आपने? जी देखा है। क्या करता है? वो उड़ता है। इसी तरह की एक बड़ी बला होती है और उसके अंदर कोई लोग बैठे हुए होते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा जहाज किसकी तरह है, परिंदे की तरह है। बात समझे भाई? तो क्या अल्लाह की तरह कोई चीज हो तो हम तुम्हें समझाएं ना कि जैसे ये ऐसा अल्लाह, अल्लाह की तरह की कोई चीज नहीं है। इसलिए फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका हम पल्ला कोई है ही नहीं है, उसके बराबर का कोई है ही नहीं है। लैसा का मिसल ही शई, उसकी मिसल कोई है ही नहीं है। ठीक है भाई, तो बस इख्तिताम करते हैं। तीन सूरतें वो रह गई और दो फलक और नास रह गई, जिंदगी रही इंशाल्लाह आखिरी नशस्त में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि व उम्मतिहि अजमईन। या हय्यु या क़य्यूम बि रहमतिका नस्तगीथ, अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अन्फुसिना तरफता अईन। ऐ अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह जो हमारा ये तसलसल अब इख्तिताम को पहुँच रहा, अल्लाह अपनी बारगाह में से कबूल फरमा। अल्लाह जितने शुरका इसमें आए हैं, दरमियान में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, अल्लाह सबको अजर से रहमतों से माला माल फरमा। अल्लाह सबको बरकतों से, रहमतों से, अजर से माला माल फरमा। अल्लाह सब के घरों के अंदर खैरें और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह सब के बच्चों को नेक साले बना, अपना मुती और फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह कुरान की खिदमत के लिए हम सब को कबूल फरमा, हम सब के मालों को कबूल फरमा, हम सब की जानों को कबूल फरमा, हम सब की इज्जतों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम सब को अपने कुरान की खिदमत के लिए चुन ले, अपने कुरान की खिदमत के लिए हमें मंतखब फरमा ले। अल्लाह इसके लिए असबाब पैदा फरमा। अल्लाह जो मुश्किलात हैं वो दूर फरमा, परेशानियां हैं जो दूर फरमा। अल्लाह हाजरीन के दिलों में जो जायज़ हाजात हैं पूरी फरमा, माओं बहनों के दिलों में हाजात पूरी फरमा। अल्लाह आज ज़्यादा वक्त इन्होंने दिया है, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह घरों की कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ये कबूल फरमा। अल्लाह ये कुर्बानियाँ कबूल फरमा। अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह घरों में कितने काम छोड़कर आई हैं ख्वातीन, मर्द हजरात आए हैं, अल्लाह आराम कुर्बान करके आए हैं, सब के आने को कबूल फरमा। अल्लाह सब को रहमतों से, बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाह अजर से माला माल फरमा। इस घर में खैरों और बरकतों को नाजिल फरमा। शुरूर से, फितनों से अहले खाना की, घर की, सब की तू हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। हाजतमंदों की हाजात को पूरा फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। अल्लाह हमारा ये पढ़ना हमारे वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह हमारे आइज़ा अकरबा की बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह हमारे असातिज़ा की बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह इस मेहनत को तू कबूल फरमा। अल्लाह कुरान के फैलाने के लिए दीगर रास्ते हमारे लिए हमवार फरमा। अल्लाह दीगर रास्ते हमारे लिए हमवार फरमा। अल्लाह हमने अपने मदरसे के लिए जो ज़मीन का इंतखाब किया है, अपने फ़जल से, अपने करम से, अल्लाह उसके पैसों को पूरा फरमा। अल्लाह अपने फ़जल से, अपने करम से वहाँ मस्जिद तामीर के लिए असबाब पैदा फरमा, मदरसे की तामीर के लिए असबाब पैदा फरमा। अल्लाह अपना फ़जल और करम हम सब पर नाजिल फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाके के अंदर, अल्लाह क़ुर्ब व जवार के जितने भी इलाके हैं, अल्लाह शमसी, रफयाम, अलफला, अलबदर, जहाँ जहाँ से माएँ बहनें आती हैं, इन पूरे इलाकों के अंदर अल्लाह इस कुरान का नूर फैला। अल्लाह इस कुरान का नूर फैला। अल्लाह हर हर घर के अंदर इस कुरान का नूर फैला। अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। जिन्होंने मेहनतें की उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जिन्होंने माली हिस्से मिलाए हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जिन्होंने सलाहियतें खपाई हैं, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ाका मिन अब्दुका नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।